हेलो स्टूडेंट्स माई सेल कमल सिंह सी एल सी मैथ्स फैकल्टी आई आई टी जेई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के पेपर फर्स्ट में मैथ्स के पेपर का सोल्यूशन देखते हैं उसमें ट्वेल्थ क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें कंसिडरिंग द ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन द वैल्यू ऑफ तो इसकी वैल्यू पूछा थ्री अपॉइंट टू कॉस इनवर्सू टू अपॉन टू प्लस पाई स्कस वन अपॉइंट फोर साइन इनवर्स टू रू टू पाई अपॉन

अगर अपने देखें इसको थोड़ा सा ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें सो दिस इज रूट टू एंड दिस इज पाई एंड दिस वी है पाई अपॉन टू ये पाई स्क्र प्लस टू सो इफ यू टेक दिस साइन ऑफ दिस इज रूट टू अपॉन अंडूड पाई स्क्र प्लस टू इसको देखो अपने क्या साइन में चेंज कर लेते हैं तो दिस इज थ्री अपॉन टू हेयर वी है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स हेयर वी हैव रूट टू अपॉन टू प्लस पाई स्केयर इस फॉर्म में आ गया सो so, इसमें देखो वन अपॉन फोर इसको टू कॉमन ले लो तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स साइन टू थीटा का फार्मूला बनेगा तो देखो साइन इनवर्स यहाँ पे सो टू कॉमन लिया यहाँ पे टू रूट टू हेयर भी है पाई सो दिस भी है सो टू कॉमन वन प्लस पाई अपॉन टू रूट टू स्केयर इस फॉर्म में लिख दिया सो दिस इज थीटा ये थीटा आपके पास है फाइनल अब देखो यहां से इसको फिर आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करें ये आपके पास में थीटा आ गया दिस इज ओनली थीटा सो थ्री पाई बाई फोर माइनस थ्री अपॉन टू थीटा इस फॉर्म में आए सो वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर दिस वी कैन राइट डाउन साइन इनवर्स एंड टू कैंसिल हो जाएगा तो इसको फिर आगे, आगे आप देखो इस फॉर्म में लिख देंगे पाई अपॉन रूट टू एंड वन प्लस पाई अपॉन रूट टू होल स्केयर

So, second question is, let alpha be the positive real number. Let f be a function from set of the real number to real number and g alpha delta be the function defined by. So, this is the function defined by. So, this is from alpha delta to r be the function defined by the fx is equal to sin pi x upon 12 and gx is equal to 2 log. बेस में अंडू टेक्स माइनस अंडू टेल्फा अपॉन लॉग ई ई पर पर अल्फा क्लियर तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी दिस लिमिट ऑफ कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन का लिमिट निकालना है तो देखो सिंपल है इसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन है लिमिट एक्सटें टू ए प्लस सो एफ ऑफ जी एक्स दिस विल बी हियर वी हैव लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस ऐसा होगा सो जी एक्स सो इसमें जब आप लिमिट लगाओगे लिमिट तो क्या है एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस सो ट्वाइस ऑफ लॉग अंडुट एक्स माइनस अंडुट एल्फा एंड अपॉन लॉग रेज पॉर रूट एक्स माइनस इ रेज पॉल रूट एल्फासी सो इफ यू अप्लाई द लिमिट हेयर यू हैव दियर दिस इज जीरो सो इनफर्टी अपॉन इनफर्टी फोर सो अप्लाई दिट रोल ओके सो हेयर वी हैव लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस सो इसमें डिफरशिएट दूमेटर एंड डिनोम सेपरेटली सो वी हैव हेयर दिस विल बी वन अपॉन

ठीक है ये दिस विल गो इन न्यूमरेटर सो हेयर भी है फाइनल लिमिट क्या आएगी एफ ओ लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस हेयर भी है सो टू ई रेज पर रूट एक्स माइनस ई रेज पर रूट एल्फा इस फॉर्म में हुआ ठीक है इन टू ई रेज पर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस रूट एल्फा ओके सो वी टेक आउट द कॉमन ई रेज पर रूट एल्फा

रूट एक्स माइनस रूट अल्फा एंड इन टू मे इज फॉर रूट एक्स इस फॉर्म में आ गया सो गेट कैंसल सो दिस विल बी ए स्टैंडर्ड लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट हो गया हेयर वी गेट हेयर एफ टू सो वट विल द एफ टू सो हैव टू पुट दू सो दिस विलवल टू साइन फाइव बाई सोइंट फाइव टू सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वी हैव जीरो पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंपल ये सेट थ्योरी से रिलेटेड है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है इन ए स्टडी अबाउट ए पेंडिंग नाइन हंड्रेड परसेंट वर्क वॉज कलेक्टेड सो इट वॉज फाउंड दैट दिन वन नाइनटी परसेंट्स हैड सिम्टम्स ऑफ फीवर सो वन नाइन्टी परसेंट्स को फीवर है टू ट्वेंटी परसेंट हैड सिम्टम्स ऑफ द कफ एंड टू ट्वेंटी परसेंट हैड द सिम्टम्स ऑफ द ब्रीथिंग प्रॉब्लम ओके एंड नाउ थ्री हंड्रेड फिफ्टी परसेंट हैड द सिमटम्स ऑफ द फीवर और कफ और बॉथ एंड थ्री फिफ्टी परसेंट्स हैड सिम्टम्स ऑफ द कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम और बॉथ एंड थ्री फोर्टी परसेंट्स फीवर एंड और ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऑफ बॉथ क्लियर थर्टी परसेंट ना इसको क्वेश्चन को सिंपल बना दिया बिल्कुल ये जो है सो क्या है थर्टी परसेंट ऐसे हैं जिनको फीवर है कफ है और ब्रीथिंग है पर यहाँ पे देखो आपके पास में ये थ्री थर्टी जो परसेंट्स है सिम्टम्स ऑफ द फीवर और कफ तो इनको फीवर और कफ तो है पर यह तो हमें हो सकता है उनको ब्रीथिंग भी हो क्लियर है तो ये तो इसमें गिवन नहीं तो हम उसको ब्रीथिंग भी मानेंगे भी उनमें कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जिनको ब्रीथिंग भी है ठीक है तो अब इसमें देखो आपके पास में इसको वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को किया जाए तो इट बिकम्स वेरी सिंपल तो हेयर भी है इस फॉर्म में ले, ले लेते हैं सो दिस इज वी ब्रीथिंग सो हाउ मेनी मेनीसन्स विच आर है थ्री सिम्टम्स थर्टी तो तीस ऐसे हैं कि जिनको सारे सिम्टम्स है बेटा ठीक है अब अपने पास में देखो यहां पर अपने पास में क्या कह रहा है कि 190 वन नाइन है सिम्टम ऑफ फीवर सो 190 नाइनटी क्या है उनको सिम्टम्स है फीवर का अच्छा अब देखो इसमें आपके पास में हमने ये फाइंड आउट करते हैं कि भी कितने ऐसे पर्सन है जिनको बहुत फीवर एंड कफ है तो देखो इसमें आप क्या करेंगे हम तो इसमें फीवर और कफ का अपना सम कितना बना यहाँ पे ये बन गया थ्री हंड्रेड टेन फोर हंड्रेड टेन सॉन्ड्रेड टेन ना हाउ मेनी बोथ फीवर एंड कफ सो फीवर और कफ कितने जग? को है आपके पास में यहाँ पे सो थ्री थर्टी सो थ्री थर्टी दिस विल बी हेयर वी है सो so, एट्टी परसेंट आर दोज हुआ फीवर एंड कप तो आपके पास से फिफ्टी परसेंट ऐसे हो गए जिनको दे आर है ऐसा है तो कितने परसेंट को कॉर ब्रीथिंग है वो देख लेते हैं कफ और ब्रीथिंग वाले आपके पास में कितने फोर फोर्टी सो दीज आर फोर फोर्टी

कप फॉर ब्रीथिंग दैट इज 60 तो so, 60 यहाँ पे आ गया ओके okay? तो अब अपने को ये देखना हाउ मेनी पर्सन विच आर हैविंग ओनली फीवर एंड ब्रीथिंग तो उनको फीवर और ब्रीथिंग फीवर और ब्रीथिंग के आपके पास में कितने हैं यहाँ पे इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हेयर वी हैव अगेन फोर हंड्रेड टेन सो फोर हंड्रेड टेन आ गया सो फोर हंड्रेड टेन सो हाउ मेनी पर्सन विच आर हैविंग द फीवर एंड ब्रीथिंग ये देखो ये प्रॉब्लम थ्री थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी है ना सो दिस विल बी है सेवनटी सेवेंटी तो यहाँ पे कितना हुआ आपके पास में सो सिक्सटी एंड दिस इज सेवेंटी सेवेंटी हेयर वी हैव फोर्टी ओके ये आपके पास में टोटल वो आ गए जिनको क्या है एग्जैक्टली टू सिम्टम्स हैं यहाँ पे फोर्टी फीवर्स एंड कफ एंड कफ एंड ब्रीथिंग सिक्सटी सो हाउ मेनी पर्सन विच आर हैविंग द फीवर्स तो यहाँ पे इनका सम कितना हुआ आपके पास में हेयर वी हैव एटी and 120 this is 70 so 70 percent i have which are having only fever clear hai. and 50 80 and 80 and by 140 140 and how many persons are there which are having the cough 140 these are the 80 140 80 80 percent so who are having the only cough एंड नाउ हाउ मनी परसन आर देयर विच आर हैविंग द ब्रीथिंग प्रॉब्लम उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम कितने जनों को है वो देख लेते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लमटी को यहाँ पे नाइनटी हेयर भी है थर्टी सो वन थर्टी इट मीन नाइनटी सो देर आर सो दिस इज टोटल है

So, we have 280. So, this we have 0 and 2 and 5. Okay. So, these are the how many persons are there? So, further we add these things, 150, 150 and 90, 240 and 240. So, here we have 90 and 60, 150, 150 and this we have. So,

ये कितना बनेगा आपके पास में फोर एटी फोर एटी सो फोर एटी पर्सन आर दोस्ट हुआ नो सिम्टम ऑफ दिस सिमटम ऑफ एग्जैक्टली वन डिजीज आइदर फीवर और कार और ब्रीथिंग क्लियर है सो दिस वी हैव द सेवन ट्वेंटी सो दीज आर दोटल नंबर ऑफ पर्सन ये पर्सन का नंबर्स आ गया जिनको कम से कम एक डिजीज का पैनेडेमिक का क्या आपके पास में सिम्टम है क्लियर है इसमें वो भी आ गए जिनको क्या है आपके पास में कोई भी सिम्टम नहीं है तो जिनको एटलीस्ट सबको मतलब कम से कम एक हो तो वह इज वो कितने है? आपके पास है टू फोर्टी और जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है दीज आर दी फोर एटी तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए सेवन ट्वेंटी सो वट इज द प्रोबिलिटी प्रोबिलिटी विल बी हेयर वी हैव सेवन ट्वेंटी अपॉन नाइन हंड्रेड ओके सो दिस वी हैव हेयर वी हैव एट अपॉन टेन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव जीरो पॉइंट एट ये एक सिंपल क्वेश्चन था सेट थ्योरी से वेन डायग्राम से रिलेटेड तो इसमें कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं थी इसे तो जिस जीरो पॉइंट एट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेट जेड विद्प्लेक्स नंबर नंबर का क्वेश्चन है देखो लेट जेड भी कम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट तो नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट है उसमें ठीक है अब इफ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट अच्छा फिर इसमें आपके पास में क्या कह रहा है टू प्लस थ्री जेड प्लस फोर जेड माइनस थ्री जेड प्लस अपॉन में फोर जेड स्क्र इज ए रियल नंबर ये एक रियल नंबर बोला है सो देन देसर इज तो एक रियल नंबर है तो इसको देखो पहले एक इसके कई तरीके हैं सो यू नो द रियल नंबर जेड अगर कोई रियल नंबर है तो यू कैन सिंपली राइट डाउन जेड इज इक्ल टू जेड बार एक तो इस तरीके से दिस कम्पलेक्स नंबर इज इक्वल टू हेयर वी हैव इट्स के को के रख और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द स्र ऑफ द मॉडुलस तो और एक तरीका इसका क्या है आपके पास में देखो टू प्लस थ्री जेड प्लस फोर जेड स्केयर एंड टू माइनस थ्री जेड प्लस फोर जेड स्केयर सो दिस इज ए रियल नंबर तो रियल नंबर है तो मैं इसको देखो न्यूमरेटर में आप क्या करें बेटा न्यूमरेटर में क्या करें ऐसा ही फॉर्मेट बना लें जैसा डिनोमिनेटर में है तो क्या बनेगा आपके पास में देखो यहां पर इसको मैं क्या करता हूँ टू माइनस थ्री जेड प्लस फोर जेड स्केयर ओके सिक्स जेड अपॉन टू माइनस थ्री जेड फोर जेड स्कोर इस फॉर्म में आ गया सो दिसन प्लस वन प्लस सिक्स जेड अपॉन टू माइनस थ्री जेड प्लस फोर जेड आपके पास में वन प्लस अपॉन टू अपॉन जेड माइनस थ्री प्लस फोर जेड ओके अब अपने पास में दिस इज ए रियल नंबर ये आपके पास में रियल नंबर है तो रियल नंबर है मतलब इसका मतलब क्या हुआ दिस पार्ट इज आल्सो रियल नंबर सो दिस इज ए रियल नंबर क्लियर है so, तो आपके पास में टू अपॉन जेड प्लस फोर जेड इज ए रियल नंबर तो देखो टू प्लस टू अपॉन जेड प्लस फोर जेड इज ए रियल नंबर ये रियल नंबर है तो so, इसका इमेजिनरी पार्ट सिंपली यू हैव टू टू पुट इक्वल तो जेड को मैं यहां पे क्या रख लेता हूं यहां पे देखो इसमें ये रियल नंबर होगा तो टू अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई फोर एक्स प्लस आइटा वाई क्लियर है इसका रियल पार्ट अपने को क्या है दिस इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो के को रखना है तो देखो इसको अपने थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं टू एक्स माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इस फॉर्म में आ गया तो प्लस फोर एक्स प्लस आल्टा वाई सो पुट इट्स इमेजनरी पार्ट एक बिकॉज इट इज रियल ये आपके पास में रियल है तो रियल है तो इसको देखो इमेजनरी पार्ट दिस विल भी इक्वल टू जीरो इसका इमेजनरी पार्ट इक्वल टू जीरो लेना है तो देखो किसके बराबर हुआ यहाँ पे आपके पास में इमेजनरी पार्ट यहाँ पे क्या हुआ माइनस टू वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर एंड हेयर वी है प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो

तो ये सिंपल क्वेश्चन था एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें आपको क्या है? इसको सिंप्लीफाई करो या फिर आप ये वाली कंडीशन लगा के भी इसको कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में देखो ये फिर एक कंप्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है इसमें जेड बार डिनोट द कंप्लेक्सुगेट ऑफ ए कम्पलेक्स नंबर जेड एंड आयोटा इक्वेशन इसके कितने रूट आपके पास हुएंगे वेरी सिंपल तो देखो यहां पर आप क्या करोगे जेड बार सिंपल सा क्वेश्चन है जेड स्केर आयोटा जेड बार प्लस जेड स्केयर ठीक है हम क्या करते हैं यहां पर जो जेड बार सेम टर्म के जो है उनको एक तरफ ले लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है जेड बार वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा ठीक है और ये उधर जाएगा तो आपके पास में प्लस आयोटा स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया ठीक है अब ये आपके पास में देखो जेड बार इज इक्वल टू इसको अपने वन प्लस आयोटा ठीक है इसको रैशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में टू याड स्क्वायर इसको वन माइनस आयोटा से वन प्लस क्या करेंगे वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो दो, दोनों तरफ तो आपके पास में ये टू बनेगा अब इसको आगे और सिंप्लीफाई किया तो जेड बार भी है जेड स्क्र ओके तो अब हमने यहाँ पे एक्स माइनस आयोटा वाई ये जेड को क्या लेट कर लिया एक्स प्लस आयोटा वाई सो दिसवी है माइनस वाई स्क्र

एक्स इक्वल टू एक तो जीरो आ रहा है यहाँ से एंड वाई इज एकल टू इसको एक्स को कैंसिल मत कर देना नहीं तो अपना एक सोल्यूशन चला जाएगा यहाँ पे आपके पास में वाई इज इकल टू माइनस वन अपॉन टू ओकेजिकल टू जीरो यहाँ पे एक्स इजिकल टू जीरो डालोगे तो माइनस वाई इज टू माइनस वाई स्क्वेयर सो वाई इज टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन ऐसा है तो आपके पास में जीरो जीरो एंड वी हैव हेयर जीरो वन ऐसा आ गया दो सॉल्यूशन तो ये हो गए सिमिलरली इफ यू पुट हेयर एक्स इज इक्ल टू माइनस वन हेयर माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू पुट करोगे ना यहाँ पे तो so, आपके पास में दिस इज वन पॉइंट टू एंड हेयर वी हैव एक्स स्क्र माइनस वन पॉइंट फोर सो इस फॉर्म में आएगा ठीक है तो ये सो हेयर वी हैव एक्स स्क्र इज इक्ल टू सो थ्री बाई फोर एक्स इज इकल टू प्लस माइनस प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू ऐसा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास में देखो माइनस वन अपॉइंट टू दो सोल्यूशन और मिल गए ना आपके पास में रूट थ्री अपॉन टू हेर माइनस वन अपॉइंट टू एंड रूट थ्री अपॉन टू इस फॉर्म में आ गया ये सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन आर देयर वी है फोर सोल्यूशन आपके पास में चार सोल्यूशन आ गए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये क्वेश्चन देखो मोर देन वन का क्वेश्चन है इसमें ओके सो कंसीडर द इक्वेशन ये इक्वेशन को कंसीडर किया यहां पे दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे हैविंग द लिमिट फ्रॉम वन टू ई तो लो एक्स बेसी होलेशन पॉइंट टू अपॉन एक्स तो ए माइनस लोग एक्स बेसी होल स्क्वायर अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखें बेटा इसमें क्या है आपके पास में लॉग एक्स बेसी होलेशलेशन पॉइंट टू, टू, टू अपॉन में एक्स वो यहां पर लॉग एक्स बेसी होलेशन पॉइंट टू बेस एक्स अपॉन एक्स तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे लॉग एक्स c को टी फुट कर लो ठीक है करेंगे इसका सोल्यूशन में तो यहां पे आपको लॉग एक्स बेस सी होल स्क्वायर फॉर थ्री अपॉइंट टू इक्वल टू टी ये टी पुट कर दिया ओके सो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव थ्री अपॉइंटू लॉग एक्स बे सी होल इज फॉर वन अपॉइंट टू सो यहाँ पे अपॉन एक्स हो गया सो हियर वी यर बी है ठीक है अब तो बेटा इसमें क्या हुआ अब आपके पास में ये आपके पास में देखो ये ये बना है यहाँ पे पड़ा सारा तो ये कितना हुआ आपके पास में दिस वी है डी टी तो लिमिट भी थोड़ा चेंज होगा जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे ठीक है तो लिमिट क्या होगा वैन एक्स इक्वल टू वन टी इज इक्वल टू जीरो वैन एक्स इक्वल टू ई सो वैन एक्स इज इक्वल टू वन टी इज टू जीरो वैन एक्स टू ई वी हैव टी इज टू वन ओके इस फॉर्म में आ गया तो लिमिट क्या हो गई जीरो टू वन तो अब आपके पास में इंटीग्रेशन क्या बन गया जीरो टू वन एंड नाउ दिस वी है टू अपॉन थ्री यहाँ पे आपके पास में किस फॉर्म में बना इसका डेरिवेटिव सो वी है दिस इज टू अपॉन थ्री ओके सो टू अपॉन थ्री यहां पे टू अपॉन थ्री इस फॉर्म में आ गया डी टी हैव ए माइनस टी होल टू इस फॉर्म में इक्वल टू वन ओके अब इसका इंटीग्रेशन आपके पास में क्या है टू अपॉन थ्री जीरो टू वन इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं टी माइनस ए होल इसको वन ओके तो इसमें आप देखो टू अपॉन थ्री इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपके पास में इसका इंटीग्रेशन क्या बना माइनस वन अपॉन टी माइनस ए लिमिट कहां से कहा जीरो से वन ओके फर्स्ट वी अप्लाई द लिमिट तो माइनस टू अपॉन थ्री सो दिसवे वन वन अपॉन वन माइनस ए एंड माइनस दिस वे जीरो यहाँ पे जीरो लगाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा वन अपॉइंट ओके वन अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ रहा है वन आ रहा है सो so, यहाँ पे माइनस टू अपॉन थ्री हेयर वी इक्वल टू वन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पलट के लिख लेते हैं तो टू हेयर वी हैव थ्री ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए इस फॉर्म में आ गए तो इसको आगे फिर और सिंप्लीफाई किया सो दिस वी है तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास में सो थ्री ए स्क्र माइनस थ्री ए माइनस टू इज इकल टू जीरो सो वी हैव एज इकल टू ए आपके पास में किस फॉर्म में आ रहा है देखो सो वी हैव थ्री प्लस माइनस नाइन नाइन एंड इस वी हैव ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एंड नाइन थर्टी थ्री अपॉन सिक्स ओके तो अब अपने पास में दिस विल बी हियर सो फाइव पॉइंट समथिंग आएगा फाइव पॉइंट समथिंग थ्री माइनस तो हियर हैव द थ्री माइनस फाइव पॉइंट समथिंग दैट विल बी नेगेटिव सो इरेशनल नंबर आ गया ओके अब देखो अगर फाइव पॉइंट समथिंग तो थ्री सो दैट विल आल्सो ए वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू दिस इंटरवल So what are the now answers? So no a satisfy the above equation. So so this is not because we have the two values of the a which are contained in this interval. So there are two values which satisfy this equation. An integer a satisfy the above equation. So this is not an a is not an integer. So an irrational number a satisfy the above equation. This is correct.

दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे क्लियर है अब आपके पास में देखो यहां पे क्या है दिस प्लेन पी वन प्लेन एंड अब देखो कह रहा है कि कौन सी इनमें से लाइन क्या है आपके पास में टेट्राहेड्रन का एज हो सकती है तो टेट्राहेड्रन का एज होने के लिए फिर आपके पास में क्या होगा यहां पर तो उसमें या तो इन लाइन में से क्या होनी चाहिए दीज लाइन मस्ट बी कॉन्सिडेंट विन पी वन और पी टू पी वन और पी टू ऐसा होगा या तो पी वन और पी टू में कॉन्सीडेंट होनी चाहिए या कोई भी लाइन क्या दैट लाइन मस्ट इंटरसेक्ट बोथ दी प्लेन एट टू डिस्टिट पॉइंट देखो ऐसे इंटरसेक्ट करें ओके okay? तो पहले अपने ये चेक कर लेते हैं कि ये जो लाइन है क्या इस प्लेन में आपके पास में कॉन्सिडेंट है क्या वन 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 विल नॉट विल इंटरसेक्ट दिस प्लेन एट ए वन पॉइंट तो सिमिलरली वन 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 यहाँ पे माइनस टू फाइव दिसंग सो दिस लाइन विल इंटरसेक्ट बोथ दि प्लेन एट टू डिस्टिंग क्लियर है सो दिस लाइन कैन बी एन एज ऑफ एन टेट्राइडन तो ये लाइन क्या हो सकती है टेट्राइडन का एक एज हो सकती है तो so, सिमिलरली आपके पास में यहाँ पे इस लाइन को भी चेक कर लेते हैं क्या ये लाइन कॉन्सिडेंट है क्या एनी वन इन दोनों प्लेन में से तो देखो सिक्स जीरो जीरो सिक्स जीरो यहाँ पे रखा सो दिस इज कॉन्सिडेंट ठीक है मतलब दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस प्लेन सिक्स जीरो जीरो अब अपने माइनस फाइव टू थ्री इसको चेक करना है मतलब ये क्या इसके डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के सम का मतलब प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो देखो आपके पास से माइनस फिफ्टी एंड थर्टी थर्टी सिक्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये आपके पास में दिस लाइन आल्सो बिकम्स एन क्योंकि ये लाइन आपके पास में इसको एक पॉइंट पे कट करेगी और सिक्स जीरो जीरो यहां पे आपके पास में इसको भी वो एक पॉइंट पे कट करेगी कहीं कहीं कर, डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी ये पॉइंट सिक्स जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऑफ दिस प्लेन एंड इट विल आल्सो सम वेयर इंटरसेक्ट अनदर पॉइंट अनदर प्लेन पी टू सो दिस बिकम्स आल्सो एन एज ऑफर अब देखो इसमें देखो आपके पास में ये तो इस पे पॉइंट क्या लाइक कर रहा है सिक्स जीरो सिक्स जीरो फोर जीरो सो दिस जीरो फोर जीरो विल सेटिस्फाई बोथ द प्लेन दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा ओके okay? कर रहा है इसमें देखो आपके पास में सिक्सटी माइनस सिक्सटी दिस ट्वेंटी ऐसा आ रहा है अब अपने पास में देखो ये चेक करो कि क्या ये लाइन दोनों प्लेन में तो नहीं है अब इसमें देखो यहाँ पे आप क्या करोगे 20 प्लस सेवेंटी फाइव प्लस नॉर्मल टू जीरो सो इट मीन दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द वन पॉइंट ठीक है प्लेन तो जैसे देखो इसमें ये यह लाइन यहां से पास हो रही है सपोज करो तो ये लाइन जब यहां से पास होगी तो आपके पास में दिस डज डॉट बिकम एन एज ऑफ दर एडन तो ये ट्रेक्टर एडन का एक एज नहीं हो गई ठीक है तो अब अपने पास में ये ये वाला पार्ट तो नहीं होगा फोर्थ का चेक कर लो फोर्थ में देखो जीरो फोर जीरो बिल सेटिस्फाई बहुत द्लेन अब इसमें ये चेक कर लेते हैं कहीं ये लाइन किसी एक प्लेन में नहीं हो तो अपने क्या करेंगे इनके डायरेक्शन रिश्वज के प्रोडक्ट का सम करके देख लेते हैं ना तो देखो इसमें देखो आप माइनस टू 10 एंड 12 minus -2 minus -12 10 एंड 12 सो दिस इज लाइन लाइज इन दिस सेकंड प्लेन तो सेकंड प्लेन में लाइ कर रही है इसमें लाइ कर रही है तो फ्रॉम दिस यू कैन ड्रा दी अनदर फेस ठीक है तो दिस लाइन आल्सो बिकम इन एज ऑफ दी टेट्राहेड्रोन तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही टाइप का था है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th क्वेश्चन देंगे एस वी द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन सो एस वी द रिफ्लेक्शन ऑफ विद विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन गिवन बाय द दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखा है आई जे के आर द यूनिट वैक्टर्स अलोंग द थ्री पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्स इफ द पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू एंड एस आर क्यूँ और एस के आपके पास में पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं एंड एल्फा आई देन विच ऑफ ट्रू तो आपको बताना विच ऑफ इज ट्रू. तो इसको देखो प्लेन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपके पास में आर वेक्टर इज इक्वल टू वी है vector plus so we have t common minus i plus j okay here yeah. and plus so here we have the another parameter is p p that is i plus k आई प्लस के ओके सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट जीरो जीरो आई कैप प्लस इनके पैरल है सो वट इवी वैक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप एंड सी वैक्टर वी हैव आई कैप प्लस इस फॉर्म में ट इज द बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर नॉर्मल वैक्टर टू द प्लेन नॉर्मल वैक्टर टू द्लेन वी हैव हियर सो आई जे केव माइनस वन एंड वन जीरो एंड वी हैव वन जीरो वन इस फोर में क्लियर है सो नॉ वट इज दॉर्मल वैक्टर टू दिस प्लेन वी हैव द आई क्लियर है तो अब आपके पास में ये आएगा प्लस जे एंड वी हैव माइनस माइनस के कैप ओके सो दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर सो फर्दर देखो इसमें कैलकुलेशन में यहाँ पे सो दिस माइनस आई एंड पी माइनस आई कैप यहाँ पे माइनस आई कैप है माइनस आई सो हियर वी हैव सी वेक्टर माइनस आई एंड दिस इज

ठीक है कार्टेशियन फॉर्म में ये प्लेन की इक्वेशन निकाल ली तो अब देखो इसमें आगे क्या है सो रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट सो रिफ्लेक्शन ऑफ एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू सो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में क्या है यहाँ पे टेन फिफ्टीन ट्वेंटी इस अल्फा बीटा गामा सो यहाँ पे आपके पास में देखो ऐसा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस इज बी है पॉइंट एस क्यू so the the position vector of q and s the s be the reflection here s is here and this is q q we have here 10 15 and 20 and this we have alpha beta gamma ok so now we apply the formula of the image of a point in a plane so that we have so x minus x 1 alpha minus 10 upon 1 and beta minus 15 upon 1 and z minus sorry gamma minus 20 upon 1 so minus and putting the coordinates of the point here we have the 15 20 25 and 25 and 45 that is 43 so this will be here we have so थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फोर फोर्टी फोर अपॉन दिस इज थ्री सो समर्स एक्स स्क् ए स्क्र प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर दैट इज थ्री तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने तो अल्फा माइनस टेन हेयर वी हैव माइनस एट्टी एट अपॉन थ्री सो दिस वी हैव थर्टी अल्फा इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी एट अपॉन थ्री

तो गामा इज इक्वल टू वी हैव हियर 88, 88 एट अपॉन थ्री दैट इज 60. तो 60 हियर वी है माइनस एट माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट अपॉन थ्री इस फॉर्म में आ गया सो एल्फा बीटा गामा यू हैव सो वट विल बी द वैल्यू ऑफ थ्री एल्फा प्लस बीटा सो थ्री एल्फा प्लस बीटा सो दैट वी हैव हियर माइनस वन हंड्रेड वन सो माइनस वन हंड्रेड वन ये आ गया आपके पास में ओके सो बीटा प्लस गामा सो वी हैव हियर 71 ये आ रहा है थ्री बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस सेवेंटी वन एंड सिमिलरली वी हैव टू गामा प्लस अल्फा सो गामा प्लस अल्फा वी हैव हियर माइनस एटी सिक्स नाव इफ वी टेक द सम ऑफ ऑल दिस द सम ऑफ ऑल दिस विल बी विलवल टू नॉट इक्वल टू वन माइनस वन ट्वेंटी वन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ये मैट्रिक्स डिटर्मेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन में क्या है इफ एम डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर एंड जी बी ए फिफाइंड फ्रॉम जीरो टू फाइव बाई टू टू बी ए फंक्शन सो नाउ जी थीटा इज इक्वल टू बी है माइनस वन एंड एफ पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस वन वेयर एप थीटा इज इक्वल टू बी हैव एप थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है यहाँ पे सो so, एपथीटा देखो पहले अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये दिस दीज एलिमेंट्स आर जीरो जीरो सो वी कैन राइट डाउन दिस इज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस पाई बाई फोर तो इसको अपने अगर ऐसे लिखें देखो यहाँ पे साइन तो में कन्वर्ट करें ठीक है तो कैन वी राइट ऑन दिस या इसको आप किस में कन्वर्ट करो तो देखो कॉस इसको मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे कॉस साइन में चेंज कर लेते हैं अपने ना इसको तो माइनस का ये आपके पास में किस फॉर्म में आएगा हीयर वी कैन राइट ऑन दिस साइन हेयर वी है पाई बाई टू एंड प्लस या माइनस क्या, क्या क्या कर रहे हैं अपने पास माइनस थीटा माइनस पाई फोर, इस फॉर्म में लिखा ठीक है बोलो ठीक है दिस विल बी एयर भी है पाई बाई फोर पाई बाई फोर सो so, यहां से आपके पास में मेरे को माइनस में चाहिए इस फॉर्म का चाहिए तो साइन थीटा माइनस पाई बाई फोर तो आप इसमें किस में किस फॉर्म में चेंज कर दें इसको मैंने इस इस टाइप का लिखा साइन हेयर भी है थ्री फाइव बाई फोर एंड प्लस थीटा इसको अपने पाई में लिखे साइन पाई माइनस पाई माइनस एयर वी है एंड माइनस थीटा इस इस फॉर्म में लिखा है तो यहां से आपके पास में क्या आएगा साइन पाई बाई फोर एंड माइनस थीटा सो हेयर वी रिक्वायर दीटा माइनस फाइव बाई फोर माइनस साइन थीटा माइनस फाइव बाई फोर तो ये नेगेटिव आ रहा है सो दीज आर दिन सो दिस वी हैव द ये आपके पास में ओड ऑर्डर का स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू विल बी जीरो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन पहला भी आई आई में आया हुआ है तो इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू आपके पास में जीरो मिलेगी तो नाउ वी हैव टू इसकी वैल्यू अपने फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट विल इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट हियर एफ थीटा विल बी तो देखो इसको एफ थीटा से एक्सपेंड करोगे तो वन प्लस ओके तो यहाँ से इधर ये आपके पास है माइनस का थीटा प्लस का थीटा जीरो हो जाएगा

सिंपल आप क्या देखो यहां के थीटा रखेंगे तो क्या है? वन, प्लस, में वन, प्लस, वन से वन कैंसिल हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पे थीटा आएगा मोडुलस थीटा ओके सो व्हाट इज इट्स रेंज रेंज इसकी range क्या होती है आपके पास में दिस बिलोंग्स टू वट वन टू रूट टू वन टू रूट टू ओके अब नाउ पी एक्स बी एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन जी थीटा मैक्सिमम so, और मिनिमम वैल्यू आपके पास में क्या है रूट मैक्सिमम तो रूट टू हो गई और मिनिमम क्या हो गई ओके सो तो आपको ये बताना है तो कौन सा इसमें ट्रू होगा तो आपके पास पी एक्स एक पोलोमिल बनेगा ऐसे तो पी एक्स पोलोमिल कैसा आएगा आपके पास में हर भी है Px x माइनस वन एंड x माइनस रूट टू ये आ गया ये आपके पास में px आ गया ओके तो अब इसमें देखो आपको क्या गिवन है इसमें p2 टू इज इकल टू 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 माइनस रूट टू तो यहां पे मैं p2 टू इज इकल टू टू माइनस रूट टू ये रख दिया यहां पे दो डालेंगे तो आपके पास में दो माइनस वन तो ये वन हो गया टू so we have here this gets cancel a is equal to 1 so what we have px is equal to px aapke paas आपके पास में क्या आ गया एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस रूट टू ओके क्वेश्चन क्या था अब इसमें देखो आपको ये वैल्यू रख रख के देखनी है थ्री प्लस रूट टू अपॉन फोर सो थ्री प्लस यहाँ पे थ्री प्लस तो क्या आएगा थ्री प्लस रूट टू अपॉन फोर ये रखा है यहाँ पे तो ये वैल्यू देखो आपके पास में क्या है यहाँ पे वन पॉइंट समथिंग है तो ये क्या कह रहा हूं थ्री प्लस रूट टू अपॉन फोर माइनस वन ये वन पॉइंट समथिंग हो गया दिस इज ग्रेटर देन वन दिस पॉजिटिव हियर भी है अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो थ्री प्लस रूट टू दिस इज वन पॉइंट फोर वन जो ऐसा कुछ बनेगा ना वन पॉइंट फोर वन अपॉन फोर माइनस रूट टू ओके अब अपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर इसमें ये बनेगा आपके पास से 4.41 सो so, 4.41 को अपने 4.4 4.41 तो so ये आपके पास में 11. पॉइंट समथिंग आएगा 1.1 पॉइंट वन सो दिस विल बी नेगेटिव तो ये आपके पास से पहला तो ऑप्शन कौन सा बन गया आपके पास से फर्स्ट ऑप्शन बनेगा सो so 3 प्लस रूट टू अपन फोर विल बी लेस देन जीरो ओके तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं तो so वन प्लस थ्री रूट टू अपन फोर तो वन प्लस थ्री रूट टू अपन फोर इसको और चेक कर लेते हैं ना तो इसमें देखो आपके पास में क्या px क्या बन गया so px भी है एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस रूट टू इस फॉर्म में आ गया px आपके पास में है ना तो अब इसमें नेक्स्ट वैल्यू वो जो रखे देखें थोड़ा सा देखो उसे सो वन प्लस थ्री रूट टू इसको रखें देखो वन प्लस थ्री रूट टू अपॉन फोर माइनस वन ये अब ये आपके पास में कितना होता है यहाँ पे तो जिसे फाइव पॉइंट समथिंग दिस पॉजिटिव अब उधर अपने इसकी बात करते हैं सो वन प्लस थ्री रूट टू अपॉन फोर ये आपके पास में वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर दैट इज आपके पास में फोर पॉइंट टू तो फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री कुछ ऐसा बनेगा तो दिस विल बी नेगेटिव तो ये इस केस में आपके पास में नेगेटिव आएगा ठीक है तो नेगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट तो नहीं है तो इस पार्ट को और देखें सो फाइव रूट टू माइनस वन तो इसको देखो अपने इसमें जब रखेंगे तो एक्स की वैल्यू इसमें डालो तो ऑप्शन से ही आपको चेक करना है ठीक है तो देखो इसको अगर, अगर अपने चेक करेंगे तो क्या आएगा p फाइव रूट टू माइनस वन अपॉन फोर ओके तो इसमें डालोगे तो क्या आएगा आपके पास फाइव रूट टू माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन ओके तो ये आपके पास में कितना बनेगा आपके पास से माइनस फाइव हो जाएगा सो माइनस फाइव सो दिस विल बी पॉजिटिव तो ये आपके पास so, में पॉजिटिव रहेगा तो उधर अपने उसके इसमें और देखें थोड़ा सा तो so, ये दिस इज मोर देन व्हाट सो फाइव से ज्यादा होगा तो so, so, उसको और चेक कर लेते हैं अपने सो फाइव रूट टू माइनस वन पॉइंट फोर माइनस रूट टू तो रूट टू ये आपके पास में यहां पर तो so, ये नेगेटिव हो जाएगा तो so, जैसे वन पॉइंट दिस इज विल बी वन पॉइंट फोर सो so 5.6 बनेगा 5.6 पॉइंट सिक्स एंड सिक्स दिस विल भी नेगेटिव तो ये आपके पास में नेगेटिव बनेगा ये भी नहीं हो सकता अब इसकी बात करते हैं फाइव माइनस रूट टू तो फाइव माइनस रूट टू आपके पास में थर्ड इसको थर्ड को पहले एक बार दोबारा चेक कर लो ना ये आपके पास में कहीं नेगेटिव तो नहीं है यहाँ पे देखो सो फाइव रूट टू दिस विल बी है सेवन एंड हेयर बी है इसको भी चेक करें अपने देखो ये कितना मिलेगा आपके पास में सो वन पॉइंट फोर फाइव पॉइंट तो ये दिस विल बी ग्रेटर पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव रहेगा तो आपके पास में एक थर्ड ऑप्शन हो रहा जाएगा तो सिमिलरली यू कैन चेक द फोर्थ दिस विल गिव द पॉजिटिव तो ये आपके पास से ऑप्शन क्या होंगे सो आंसर टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड ओके तो इसमें ऑप्शन से ट्राई करना फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो so, क्वेश्चन अब इसमें टू प्लेयर्स पी वन एंड पी टू प्ले गेम अगेंस्ट ईच अदर इन एवरी राउंड ऑफ द गेम ईच प्लेयर रोल्स डाई वंस वे सिक्स फेसेस ऑफ द डाई द रीडिंग्स ऑन द डाई रोल्ड बाय द पी वन एंड पी टू इफ एक्स ग्रेटर देन वाई अगर एक्स क्या वाई से बड़ा देन

स्कोर से या तो बड़ा हो ठीक है या उसके बराबर हो दो राउंड के बाद में तो इसमें पहले तो देखो अपने पास में प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन वन राउंड बोथ थ्रो द डाइस क्लियर है सो बोथ थ्रो द डाई तो पी वन थ्रो करता है डाई और पी टू थ्रो करता है तो अपने लेट कर लेते हैं लेट ए वन बी द इवेंट ऑफ ए वन इवेंट ऑफ पी वन वन राउंड तो ए वन क्या है आपके पास में इवेंट है किसकी पी वन वन द राउंड एंड ए टू ए टू क्या हो गया इवेंट ऑफ पी टू वन द राउंड ठीक है व्हाट इज द डी डी इज द दिस इज द गेम दैट द राउंड एंडेड इन ड्रा क्लियर बोथ स्कोर द इक्वल इक्वल स्कोर तो देखा इवेंट क्या इवेंट ऑफ द गेम एंडेड इन ड्रा इवेंट ऑफ गेम एंडेड इन ड्रा ठीक है एंडेड इन ड्रा अब आपके पास में यहां पर इस क्वेश्चन में अपने को P1 का स्कोर P2 से ज्यादा चाहिए या उसके बराबर हो तो पहले आप देखो अगर डाई को थ्रो करते हैं ठीक है तो P1 उसके जो आपके पास में प्रोबेबिलिटी होगी P1 की मतलब उस केस में आपके पास में फर्स्ट राउंड में कितना मतलब फर्स्ट राउंड में P1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो दोनों कोई छ में से क्या है दो नंबर को फेंकेंगे तो आपके पास में P1 का जो नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन पी ऐसा होगा तो उसमें आपके पास में तो पी ए वन पी ए वन क्या होगा आपके पास में पी ए वन दिस विल बी सिक्स ई टू में से दो नंबर्स है तो पी वन का वो नंबर होगा विच इज ग्रेटर देन द नंबर स्कोर्ड बाय द पी टू तो पी टू से ज्यादा होगा उसका तो आपके पास में सिक्स ई टू सिक्स अपॉन 6 इन टू तो दिस इज 5 अपॉन ट्वेल्व एंड सिमिलरली द पी टू के द्वारा मतलब उससे जो स्कोर किया गया वो किससे ज्यादा हो आपके पास में p1 से ज्यादा हो तो उसका भी 5/12 होगा 5/12 एंड नाउ pd will be here भी है तो pd आपके पास में क्या है बोथ हैव द सेम नंबर जब दोनों के सेम नंबर आएंगे सपोज स्कोर्स द सेम पॉइंट तो ठीक है दो पॉइंट मिलेगा आपको उनको है ना तो उसमें आपके पास में क्या आएगा 6 में से कोई भी एक नंबर आएगा दोनों का सेम आ रहा है तो दिस वुड बी हियर वी हैव द तो आपके पास में सिक्स अपॉन सिक्स इंटू सिक्स अपॉन सिक्स हो गया ठीक है अब नाउ वी रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर आपको किस तरीके से फाइंड आउट करनी है देखो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्स टू इज ग्रेटर देन वाई टू इसका मतलब है दो राउंड के बाद में ठीक है पी वन के गेम मतलब जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पी वन के ज्यादा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताना है हो सकता है पी वन क्या दोनों राउंड में दोनों राउंड होते हैं दोनों राउंड में क्या उसके जो स्कोर है दैट इज मोर देन पी टू हो सकता है उसका क्या आपके पास में देखो केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपके पास में तो हो सकता है दोनों का इक्वल हो पहले आपके पास में हो सकता है ए वन पी वन का क्या है जो स्कोर है वो आपके पास में ए टू से ज्यादा हो ठीक है या दोनों का इक्वल भी हो सकता है मैं ये कह सकता हूं तो दोनों का इक्वल होगा तो उस केस में अपने को एक्सिकल टू वाई भी एक्सिकल टू वाई दोनों का इक्वल भी रह सकता है तो उस केस में पी डी इंटरसेक्शन डी होगा आपके पास में दोनों का स्कोर सेम रहेगा अब अपने पास में इस टाइप का भी हो सकता है अभी पहले में क्या है पी वन गेम को विन करता है तो उसका उसमें स्कोर कितना हो जाएगा फाइव जाएगा तो पी वन का फाइव हो जाएगा फिर आपके पास तो में पी टू का जीरो मतलब सेकंड राउंड में आपके पास में पी टू का क्या हो जाएगा आपके पास में स्कोर फाइव हो जाए और उसका जीरो हो जाए बट दोनों का जो स्कोर है आफ्टर द सेकेंड राउंड इज सेम दोनों का स्कोर है वो सेम रहता है तो ये भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे दो दो केसेस बनेंगे तो देखो इसमें और ऐसा भी हो सकता है आपके पास में पी वन का पहले स्कोर क्या है आपके पास में P1 वन सपोज करो पहला राउंड विन करता है तो उसका 5.0 कोमा जीरो और दूसरा राउंड क्या है इन ड्रा होता है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है सो देन वट इज द प्रोबिलिटी हेयर वी हैव सो P A1 वन इंटरसेक्शन ए वन प्लस हेयर वी है पी ट्वाइस ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू ये प्लस पी डी इंटरसेक्शन डी मतलब बहुत ही राउंड्स एंडेड इन ड्रा दोनों राउंड्स के आपके पास में एंडेड इन ड्रा हो जाए तो प्लस फिर आपके पास में ऐसा हो सकता है पी ए वन इंटरसेक्शन बी तो फर्स्ट राउंड में आपके पास में फर्स्ट राउंड में P1 के स्कोर फाइव है उसका जीरो है तो सेकंड में क्या दोनों इक्वल है तब भी उसका फिर आपके पास में P1 के जो स्कोर है वो आपका सेवन हो गया उसका टू रहा तो अब इसमें आप सब केसेस में इसके प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो ये आपके पास में कितना हो गया देखो हियर दिस दिसल्व फाइव पॉन ट्वेल्व द्वेंटी फाइव ऑन वन फोर फोर ये प्लस इस केस में आपके पास में क्या आएगा सो फाइव अपॉन ट्वेल्व फाइव इंटू ट्वेल्व सो फाइव ऑन ट्वेल्व दिस इज ट्वेंटी फाइव अपॉन वन फोर्टी फोर इन टू क्लियर इस केस में आपके पास में क्या है दोनों ड्रा रहते हैं दोनों के पहले राउंड में क्या सेम आते हैं फिर दूसरे में भी सेम आते हैं तो उसमें क्या आएगा दिस एंड इसमें आपके पास में क्या आएगा इस केस में तो ऐसा इसमें देखो आपके पास में हो सकता है दो दो राउंड में पहले राउंड में क्या है पहले राउंड में ड्रा हो गया ठीक है और दूसरे राउंड में क्या है P1 के ज्यादा मतलब उससे P2 से ज्यादा आ जाए हो सकता है फिर आपके पास से तो पहला ड्रा दूसरे में उसका ऐसा हो सकता है पहले P1 वन में पहले राउंड में फर्स्ट राउंड में P1 के ज्यादा आ जाए P2 के कंपेरेटिवली तो आपके पास में ये दो टाइप से हो सकता है मतलब दिस कैन अक्कर इन टू टाइम्स ट्वाइस तो इसका फिर आपके पास में कितना बनेगा दिस विल बी फाइव एंड टेन अपॉन वी हैव थर्टी सिक्स दिस विल बी हेयर बी थर्टी सिक्स हेयर तो 72 ये 72 हो जाएगा सो इफ यू ऐड दिस ऑल तो सबको ऐड करोगे तो आपके पास में दिस विल बी हेयर वी हैव सेवेंटी फाइव प्लस फोर प्लस ट्वेंटी ओके एल्शियम वी हैव दर फोर्टी फोर सो हेयर वी हैव इलेवन अपॉन सिक्सटीन तो ये आपके पास में दिस विल बी द प्रोबलिटी वेन एक्स टू द स्कोर ऑबटे बाई द पी वन इज मोर देन पी टू और इक्वल टू पी टू क्लियर है तो ये आपके पास से प्रोबेबिलिटी रहेगी तो सेकंड देखें आपके पास में सेकंड क्या है तो सेकंड में देखो सेकंड में सेकंड क्वेश्चन में देखो एक्स टू इज ग्रेटर देन वाई टू अब इसमें एक पर्टिकुलरली देखो आईआईटी ने पेपर को इसमें कहा, इसके जो ऑप्शन सेट करते समय इसमें क्या सेकंड का देखो आपके पास में ऑप्शन क्या क्या दे रखा है यहां पे सब में आर दे रखा है आर क्लियर है तो ये तो क्लियर हो गया कि वेन एक्स टू इज ग्रेटर देन वाई टू तो उस केस में आपके पास में उसका आंसर क्या आएगा फाइव बाई सिक्सटीन तो ये ऑप्शन तो आपका सही है अगर आप इसको कैलकुलेट ही करते हो तो उस केस में क्या आएगा फिर आपके पास में तो एक तो क्या है ये वाला जिससे देखो इसमें p x2 टू इज ग्रेटर इसमें इसमें क्या क्या राउंड रहेंगे तो p a1 वन इंटरसेक्शन ए वन क्लियर है प्लस 2 p a1 intersection D, ये वाला पार्ट रहेगा इसमें देखो एक एक राउंड क्या ड्रा हो गया और एक में क्या है पी वन ने गेम को विन किया उसमें उसके फाइव फिर टू फिर ऐसा हो सकता है फाइव टू टू फाइव बट स्कोर द पी टू तो ये आपके पास में क्या, इसमें ज्यादा रहेगा तो so, इस केस में आपके पास में इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे तो so, okay? so, इसको आप सिंपली दिस विल बी फाइव अपॉन सिक्सटीन तो सेकेंड का आपके पास में ये हो गया ना होते थर्ड केस इज बी है एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री एक्स थ्री किसके इक्वल है तो इस केस में आपके पास में क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी तो देखो द प्रोबिलिटी ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री सो दिस विल इक्वल टू सो इसमें देखो आपके पास में इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए टू देखो एक राउंड किसने विन किया पी वन ने तो दूसरा राउंड हो सकता है आपका ड्रा रह जाए तीसरा राउंड

पी ए वन एंड पी डी पी ए टू एंड प्लस पी डी एंड पी डी एंड प्रॉबलिटी ऑफ एंड इन ड्रा सो इफ यू सिंप्लीफाई इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगेट तो हेयर सेवेंटी सेवन अपॉन फोर थ्री टू ओके सो so ये आपके पास में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे फाइव पॉइंट आ जाएगा यहां पे, 1 by 6 आ, जाएगा, यहां पे आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे सो so, पे so, इसका आपके पास में क्या रहेगा सो दिस बी सेवन सेवन अपॉन फोर थ्री टू ओके तो अब इसका लास्ट वाला देखो एक्स थ्री इज ग्रेटर वाई थ्री. एक्स थ्री आपका वाई थ्री से बड़ा है तो इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन रहेंगे आपके पास में मतलब किस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है सो इज ग्रेटर देन वाई थ्री क्लियर अब इसमें ऐसा हो सकता है कि भी पी वन के तीनों राउंड्स में वो विन कर रहे तो उसमें क्या आएगा फिर आपके पास में पी हेयर भी है a1 इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a1 ऐसा रहेगा प्लस हो सकता है वो दो राउंड में विन करे एक ड्रा रहे तो दिस कैन बी अरेंज इन थ्री वेस तो उसका आपके पास में थ्री ऐसा रहेगा सो so p a1 इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन d इस तरीके से रहे क्लियर है अब ऐसा भी हो सकता है कि दो राउंड उनके ड्रा में रहे और एक राउंड में पी वन फिर विन करे तो दैट इज अगेन थ्री तो वो आपके पास में फिर थ्री वेज आएगा डी इंटरसेक्शन डी रहेगा आपके पास में तो पी वन विन करे और एक राउंड में कौन करे ए टू करे वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास में तो वो किस टाइप से रहेगा आपके पास में इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए वन ऐसा है दिस कैन बी इन थ्री वेज। अब इसमें आपके इनके ये पॉसिबिलिटीज आपके पास में रहेगी सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवेंट्स ऑफ दिस अब इसको देखो आगे इनकी सबकी वैल्यूज रखेंगे तो हेयर यू हैव इसको आफ्टर कैल्कुले में वैल्यूज पुट करो सबकी सो so दिसल्व

थ्री फाइव ट्वेल्व फाइव अपॉन टू वन बाई सिक्स इसको सिंप्लीफिकेशन यू गेट हेयर दिस इज इसको कैलकुलेट कर लोगे सो वट विल द आंसर टू दिस क्वेश्चन तो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस आंसर सो हेयर वी द

नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास में यहां पर नॉन जीरो रियल नंबर जीरो रियल नंबर ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन सो पी क्यू आर द नॉन जीरो रियल नंबर दर रिस्पेक्टिवली टेंथ हंड्रेड एंड वन टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन अब इसमें इसने इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को यूज कर लिया क्लियर है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो एन 10x एक्स प्लस टेन वाई प्लस हंड्रेड जेड इज इक्वल टू बी एफ जीरो सो क्यू आर एक्स प्लस पी आर वाई प्लस पी क्यू जेड ओके सो अब अपने पास में यहाँ पे इन सभी इक्वेशंस को मैं एक बार लिख लेता हूँ देखो किस तरीके से So we have x plus y plus z is equal to one. Clear and x plus 10x so plus 100y plus 100z is equal to zero. Okay. So here we have the QR x plus PR y plus PQ. थ्री इक्वेशन यही है आपके पास में हार्मोनिक okay. प्रोग्रेशन तो अब इसको देखें so, उसके कोरस्पॉन्डिंग एपी ले लेते हैं। उसका फर्स्ट टर्म ए ले लो और कॉमन डिफरेंस उसका डी ले, ले लो तो विल बी हेयर बीर द

दिस वी है इसको सब करते हैं तो क्या आएगा R minus Q. This we have so, इन और इनमें क्या रिलेशन आ रहा है आपके पास पॉइंट आर माइनस वन पॉइंट क्यू दिस इज टेन टाइम्स ऑफ वन पॉइंट क्यू माइनस वन पॉइंट पी इस फॉर्म में आ गया ओके okay? अब देखो आपके पास में रिलेशन हम कही कहीं ना कहीं यूज करेंगे तो अब इसमें अब इस इक्वेशन इस को मैं फर्दर वी कैन राइट ऑन इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख देते हैं अपने एक्स अपॉन पी एंड प्लस वाई अपॉन क्यू एंड जेड अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में आ गया अब देखो इक्वेशन की बात करें तो उसके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अगर अपने हल सोल्यूशन की बात करते हैं तो अपने को पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की बात करते हैं ना सो so, डेल्टा विल बी इक्वल टू वी हैव द डिटरमिनेंट फॉर्म बाय द देयर कोफिशिएंट सो वन 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 हियर वी हैव हंड्रेड एंड हंड्रेड वन थाउजेंड एंड दिस वी हैव वन अपॉन पी वन अपॉन क्यू ओके अगर मैं इसको देखो एक्सपेंड करूंगा तो यू विल गेट हियर

अब आपके पास में इसको देखो आर टू माइनस आर वन करें आर टू माइनस है, है, टू वन वन एंड नाइन ओके नाउ ए प्लस नाइन डी एंड ए प्लस नाइनटी नाइन डी और ये आपके पास में ए प्लस ट्रिपल नाइन डी इस फॉर्म में तो देखो अब मैं इसको क्या है रो आर में से क्या करें अपने इसको ए से मल्टीप्लाई करके इसको डी से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके इसमें से सबेक्ट करेंगे तो यू विल गेट थर्ड रो ऑल दी बी इक्वल टू जीरो हमारे पास में क्या आ गया जीरो के इक्वल आ गया ओके okay? अब अपने पास में देखो इसकी बात करते हैं अपने डेल्टा एक्स की तो डेल्टा एक्स देखो आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पे डेल्टा एक्स तो ये रिलेशन में यूज करूंगा कहीं ना कहीं इसको अपने ध्यान में रखें सो डेल्टा एक्स विल बी हेयर तो डेल्टा एक्स आपके पास में किसके बराबर आएगा वन जीरो जीरो ओके सो वन हंड्रड अपॉन क्यू एंड अपॉन थाउजेंड वन अपॉन आर क्लियर ये दिया आपको अब मैं इसकी अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो वी हैव हेयर सो हंड्रड अपॉन आर एंड वन थाउजेंड इस फॉर्म में आ रहा है वन थाउजेंड इस फॉर्म में आ गया क्लियर है अब अपने पास में देखो इसमें जो रिलेशन बनता है तो इसको देखो किस फॉर्म में लिखते हैं अपने डेल्टा एक्स तो इधर तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया दिस विल बी हंड्रेड वन अपॉन आर माइनस टेन अपॉन क्यू ओके तो सिमिलरली वी कैन फाइंड हियर डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई देखो आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे दिस विल बी हेयर बी है वन टेन वन अपॉन पी इस फोर में हुआ सो दिस इज वन वन जीरो जीरो ओके जिस वन थाउजेंड एंड वन अपॉन आर इस फोर में आ गया अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो so, आपके पास में डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू हेयर बी है किसके इक्वल हुआ आर माइनस उजेंड अपॉन पी तो इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है आपके पास में देखो ये आपके पास में क्या आ गया सो टेन अपॉन आर माइनस हंड्रेड में आ गया क्लियर तो सिमिलरली डेल्टा जेड तो डेल्टा जेड आपके पास में किस फॉर्म में आएगा डेल्टा जेड को निकाल लेते हैं तो डेल्टा जेड विल बी हेयर वी हैव इक्वल टू सो अपॉन अपॉन एंड है 1/q इस फॉर्म में एंड दिस विल बी 1 1 ये 0 सो दिस वी हैव सो 10/q एंड 100/p इस फॉर्म में आ गया ये ठीक है अब देखो ऑप्शन देखते हैं अपने फिर ऑप्शन को देखते हुए इसको सेट करते हैं व्हेन q/r 10 तो q/r आपके पास में अगर 10 के इक्वल आता है क्लियर है सो so, तो देखो उस कंडीशन में आपके पास में क्या q अपन r को अगर 10 लेते हैं तो क्या आएगा q अपॉन r q अपन r इसमें रखेंगे q अपन r इज इकल टू टेन सो भी है भी है सो दिस इज जीरो जीरो हो जाएगा आपके पास में ठीक है अब अग, अगर मैं इसको q देखो यहां पे वन अपॉन आर वन अपन आर इज इकल टू भी है टेन अपॉन क्यू ये रखते हैं तो आपके पास में देखो यहां पे मैं क्या रखूंगा वन पोन आर को टेन अपॉन क्यू रखूंगा टेन अपॉन क्यू रखेंगे तो वो आपके पास में कैंसिल हो जाएगा तो, बार बार. तो, तो यहाँ पे ये तो जीरो हो गया क्लियर है अब इसमें देखो आपके पास में क्या रिलेशन रहेगा सो वन अपॉन आर इज इकल टू टेन अपॉन क्यू तो दिस विल बी हेयर बी है तो दिस नाइन अपॉन क्या आएगा आपके पास में तो टेन अपॉन क्यू यह 10 upon q वो कैंसिल हो गया तो आपके पास में 1 upon q किसके इक्वल आ गया 1 upon q विल बी इक्वल टू 1 upon q वी हैव इक्वल टू 10 upon p ऐसा आएगा अब व्हाट आपके पास में यहां पर 1 upon q की वैल्यू में 10 upon p रखूंगा दिस विल आल्सो बी जीरो ये भी जीरो होगा आपके पास में उस कंडीशन में ठीक है तो अब इसकी बात करें तो ये भी आपके पास में जैसे देखो मैं यहां पर क्या रखूंगा

सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना तो, फिर अपने को भी चेक कर ले, 100, तो ये पीओन आर हंड्रेड के इक्वल नहीं आ रहा सो पीओन आर इज नॉट इक्वल टू हंड्रेड सो दिस मिल नॉट भी इक्वल टू जीरो जीरो नहीं होगा तो उस कंडीशन में नो no सोलूशन ठीक है तो थर्ड में देखो आपके पास में सॉरी अब इस केस में देखो यहां पर आपके, आपके पास में पी अपोन क्यू इज नॉट इक्वल टू टेन तो पी अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू टेन सो पी अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू टेन टू जीरो सिस्टम ऑफ इक्वेशन और चेक कर लेते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है आपके पास में फोर्थ में देखो आपके पास में पी अपोन क्यू इज इक्वल टू टेन

तो इसमें देखो अब क्या क्या ऑप्शन बनता है इसको थोड़ा रब कर देते हैं हमने तो मैंने देखो इसके लिए आपके पास में फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अब इसके लिए आपके पास में क्या है नो no सॉल्यूशन आ रहा है इन दोनों के लिए मैंने बताया था तो अपने देखो यहाँ पे अगर इसको देखें पहला पहले में क्या कह रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन इज वी द टी एट लीस्ट वन सोल्यूशन

तो क्यूं ये सही है इसके लिए फिर सेकंड के लिए आपके पास में नो no सॉल्यूशन सही है ये भी फिर थर्ड के लिए आपके पास में दिस अगेन नो सॉल्यूशन सही है ये भी उस कंडीशन में आपके पास में क्या है सो डेल्टा एक्स एनी वन ऑफ देम डेल्टा एक्स डेल्टा डेल्टा जेड विल नॉट बी इक्वल टू जीरो बट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो वो हमने प्रूव किया है तो अच्छा फिर इसके लिए देखो आपके पास में इसमें क्या कह रहा है सो दिस वी हैव द

ठीक है साहब तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं तो मैं बेसिकली मैथमेटिक्स के पेपर वन में उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन लूँगा जो क्लास एलेवं के सिलेबस से रिलेटेड है फाइन साहब बचे हुए क्वेश्चंस को मेरे साथ ही डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन वन में देखते हैं पार्ट uh, एलेवन के कौन कौन से क्वेश्चन आए तो सेक्शन वन बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का सेक्शन था इसमें डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक हमें अपना आंसर को राउंड ऑफ करके देना था ठीक है साहब तो लेट्स स्टार्ट तो पहला क्वेश्चन हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है सेकंड क्वेश्चन हमारा लिमिट्स से है देन थर्ड क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से है देन नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से है फिफ्थ क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर से है तो यस दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रेशन से है सीक्वेंस एंड सीरीज से तो so पेपर का क्वेश्चन नंबर सिक्स पेपर वन का क्वेश्चन नंबर सिक्स और मेरे हिस्से का क्वेश्चन नंबर वन तो लेट्स स्टार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलने का कोशिश कर रहा है लेट एल वन एल टू एंड सो ऑन टिल एल हंड्रेड बी कंजीक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी वन तो पहली वाली एपी के टर्म्स हैं और ये इसका कॉमन डिफरेंस है इसी तरह से एंड लेट डब्ल्यू वन एंड सो ऑन डब्ल्यू वी कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अनदर अरेथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी टू तो बेसिकली पहली दो लाइनों में केवल इतना देने की कोशिश करी गई है कि क्वेश्चन में प्रोवाइड की है दो खूबसूरत सी ए पी दो अरेथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोवाइड करे हैं जिनके टर्म्स दिए हुए हैं हंड्रेड टर्म्स पहली वाली ए पी में हैं जिसका कॉमन डिफरेंस डी वन है और हंड्रेड टर्म्स ही दूसरी ए पी सेकेंड ए पी में है जिसका कॉमन डिफरेंस डी टू दिया हुआ है तो यहां तक तो बेसिक इंफॉर्मेशन है अब काम की बात करते हैं वेयर d1 d2 is equal to 10 ये पहली काम की बात फॉर ईच i equal to 1 टू एंड टिल 100 लेट ri बी अ रेक्टेंगल विद लेंथ li विड्थ wi एंड एरिया ai ठीक है साहब तो बेसिकली ये लाइन हमको इंफॉर्मेशन देती है कि समवेयर देयर इज अ रेक्टेंगल ठीक है साहब ये आपका कोई रेक्टेंगल है ri और जिसकी लेंथ कितनी है li और और कितनी है WI. और इसी के एरिया को रिप्रेजेंट करा है AI से तो ही बात है एरिया ऑफ क्या होता है बच्चा लेंथ तो, तो इसमें इस कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ाते हैं बात को इफ एन माइनस ए फिफ्टी टू द वैल्यू ऑफ ठीक है सर। तो इसी गिवन से स्टार्ट करते हैं का का मतलब क्या एरिया, जो, मतलब जो फिर कितना होगा एल फिफ्टी इंटू डब्लू फिफ्टी ओके तो लेट्स ओनली तो ये हो गया आपका एल आई सॉरी एल फिफ्टी वन

और ये हो जाएगा आपका w1 प्लस का 50 d2 ठीक है सा माइनस दूसरा वाला क्या बोलता है L50 l15 w15 तो इसको हम लिख पाएंगे l1 प्लस 49 d1 पहली वाली कॉमन डिफरेंस एपी का एपी का कॉमन डिफरेंस देन w1 और प्लस का 49 और ये हो गया आपका d2 एंडर्स इज ऑलरेडी गिवन एज 1000 ठीक है अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे अपन तो L1 है W1 और इधर से भी L1 W1 ये तो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है ठीक है लिखने का कोई फायदा नहीं है then 50 L1 D2 और इधर से 49 L1 है D2 तो 50 माइनस 49 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना L1 D2 उसके बाद 50 D1 W1 50 D1 W1 और इधर से कितना माइनस 49 d1 w1, तो 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 ये ये भी कितना हो गया? ये हो गया? गया आपका w1 d1, w1 d1, fine. उसके बाद इनको देखते हैं अपन अपन तो 50 50, 49 49, तो का d1 d2, 49 का स्क्वायर स्क्वायर तो इसको थोड़ा सा सुंदर बना के लिख देते हैं इट 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर और d1 d2 इज इक्वल टू 1000 ठीक है साहब अगर मैं ये देख पा रहा हूं तो ये कितना होगा a plus b a minus b तो ये हो गया 50 plus 49 50 minus 49 तो डेफिनेटली 99 और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हाउ मच इट इज इट इज गिवन एज़ 10 ठीक है साहब तो अपन यूज कर लेते हैं इसी का तो ये हो गया आपका l1 d2 और प्लस का w1 d1 और प्लस का 99 और ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 1000 फाइन तो फाइनली इस वाले टर्म को उधर स्किप करा अपन ने तो ये कितना हुआ ये हो गया हमारे पास द वैल्यू ऑफ l1 d2 और प्लस का w1 d1 इज इक्वल टू 1000 minus 990 इट विल बी ऑफ कोर्स 10 तो सिंपली नेम इट एज नंबर 1 माइट बी पॉसिबल इसका यूज आगे आ गया जाए ठीक है साहब नो, no, नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड है किसकी डिमांड है ए फिफ्टी माइनस ए नाइनटी की ए फिफ्टी माइनस ए नाइनटी की तो इसको भी लिख लेते हैं तो ये हो गया आपका ए देख लें एक बार और कितना दिया हुआ ए हंड्रेड माइनस ए नाइन्टी ए हंड्रेड माइनस ए नाइनटी तो इसको भी लिखते हैं अपन ये कितना हुआ एल हंड्रेड और डब्ल्यू हंड्रेड और माइनस का ये कितना हुआ बच्चा एल नाइन्टी और ये हो गया डब्लू नाइन्टी ठीक है सर तो ये हो गया आपका हंड्रेड टर्म तो ये हो जाएगा आपका एल वन प्लस का नाइन्टी नाइन डी वन और ये कितना होगा डब्लू वन और प्लस का नाइन्टी नाइन और ये हो गया आपका डी टू परफेक्ट माइनस ऐसा ये कर लेते हैं अपन ये हो गया आपका एल वन और प्लस का एटी नाइन एटी नाइन डी वन और ये हो गया आपका डब्लू One और प्लस का इसका कॉमन डिफरेंस डी टू ये हमको वैल्यू चाहिए ठीक है साहब तो इसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही कैलकुलेशन है ऑलमोस्ट ठीक है तो जब अपन इसको और इसको करेंगे तो वन डब्लू वन और इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वन डब्ल्यू वन दोनों आपस में सलट जाएंगे देन ये हो रहा है आपका नाइनटी नाइन डी टू और ये कितना हो रहा है माइनस का एट्टी नाइन डी टू तो 99 माइनस एटी डायरेक्टली लिखू मैं 10 टाइम्स ऑफ एल वन डी टू सेम विद दिस ये हो रहा है आपका 99 नाइन डी वन डब्ल्यू वन और ये कितना हो रहा है माइनस का 89 नाइन डी वन डब्ल्यू वन तो इसको भी एक काम करते हैं 10 को कॉमन ले लेते हैं और लिख देते हैं प्लस का डी वन और ये डब्लू वन ये हो गया आपका डब्लू नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस इज योर नाइनटी

यस yes. तो ये हो गया हमारे पास कितना टेन इंटू टेन और ये हो गया आपके पास नाइन्टी नाइन प्लस का एटी नाइन और इसको लिख लेते हैं नाइनटी नाइन माइनस एटी नाइन ये हो गया आपका कितना टेन और ये आपका वापस से कितना हो गया टेन इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छा देखिएगा जरा ये हंड्रेड कॉमन निकाल लिया अपन ने तो हंड्रेड और इन ये कितना हुआ साहब ये बचा आपका वन प्लस और ये कितना हो गया नाइन नाइन एट और एट और एट सिक्सटीन सेवनटीन तो ये हो गया आपका कितना वन एटी एट तो आंसर विल बी होपफुली वन एट नाइन डबल जीरो ठीक है साहब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करते हैं तो द क्वेश्चन इज नॉट सो मच टफ फाइन चलिए हाँ सर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अगला क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से तो क्वेश्चन नंबर सेवन द नंबर ऑफ फोर डिजिट इंटीजर इन द क्लोज इंटरवल 2022 से लेकर 4482 तक फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स तो सबसे पहले तो गिवन डिजिट्स देख लें जिनसे हमें नंबर को बनाना है तो जीरो है टू है थ्री है देन फोर है देन सिक्स भी है और सेवन भी है ठीक है सर तो टोटल सिक्स डिजिट्स से हमारे पास जीरो टू थ्री फोर सिक्स सेवन तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में इनसे बनने वाले फोर डिजिट के कितने नंबर्स होंगे द क्वेश्चन इज नॉट सो मच टी डी सिंपल और स्मूथ है तो बेसिक फंडा ये ले, ले लेते हैं कि सबसे पहले तो टोटल काउंट कर लेते हैं और उनमें से जितने भी हमारे पास इस इंटरवल के बाहर हैं उनको अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे फाइन तो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले एक दो

दूसरी वाली तीसरी वाली और चौथी सेकंड थर्ड और फोर्थ प्लेस को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम किसी से भी फिल कर सकते हैं तो डैट कैन बी डन इन दिस प्लेस कैन बी फिल इन सिक्स वेज अगेन दिस कैन बी फिल्ड इन सिक्स वेज एंड सेम ऑन दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई सिक्स प्लेसेस सिक्स वेज तो द टोटल नंबर ऑफ नंबर द टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर थ्री इन सिक्स का क्यूब दिस विल बी थ्री इंटू टू वन सिक्स ठीक है सर तो ये हो गया आपका 648 तो ये तो क्या हुए आपके टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स बट इनमें से कुछ एक ऐसे नंबर्स हैं जो इस इंटरवल में नहीं है तो उनको अपन एक्सक्लूड कर लेते हैं तो लेट्स स्टार्ट <laughs> तो यू कर देते हैं अपन अपन ले लेते हैं 1 2 3 4 सबसे पहले यू सोचिए अगर इस प्लेस पे 2 आता है फाइन इस प्लेस पे 0 इस प्लेस पे भी 0 ठीक है तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अगर मैं इस चौथी प्लेस को देखूं तो यहां पर जीरो आएगा थ्री आएगा या टू आएगा या फोर आएगा या सिक्स आएगा या सेवन आएगा इनमें से कोई सा भी डिजिट अगर अपन फोर्थ प्लेस से फिल करते हैं फोर्थ प्लेस को फिल करते हैं चार में से किसी छह में से किसी से भी तो डेफिनेटली द नंबर विल बी आउट ऑफ दिस इंटरवल जो हमें नहीं चाहिए तो इस जगह को भरने के टोटल छह तरीके हुए ठीक है ना तो ऐसे टोटल कितने नंबर आ गए ऐसे टोटल कितने फोर डिजिट के नंबर हुए जो गलती से इधर तो इंक्लूड हो गए लेकिन हमको इस इंटरवल में नहीं चाहिए ना इस इंटरवल में जो चाहिए वो नहीं है आर so, सिक्स ठीक है तो उनको अपन माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस दिस इज योर टोटल ठीक है अब उसके बाद आते हैं फर्दर टू जीरो अगर मैं इस जगह पर टू ले लेता हूं और यहां पर जीरो ले, ले लेता हूं तो देखिएगा ये भी एक ऐसा नंबर है ये अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो इस इंटरवल में नहीं है लेकिन इसमें तो गलती से काउंट हो रहा है तो उसको भी अपन अपन एक्सक्लूड कर देते हैं हैं तो वन मोर इज देन फर्दर फर्दर देखते फोर से शुरू होने वाले है ना तो से अगर मैं बात शुरू करूं एक दो तीन चार तो यहां पर अगर मैं फोर यूज करता हूं और यहां पर मैं गलती से है ना यहां पर मैं गलती से सिक्स लेता हूं या सेवन लेता हूं ठीक है ना मतलब इन दो में से कोई सा भी एक लेता हूं तो डेफिनेटली वो नंबर तो इसके बाहर होगा जैसे यूँ समझिए फोर के बाद अगर सिक्स आता है और आगे कुछ भी आए तो आप क्या रीड करेंगे फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डेफिनेटली वो क्या होगा फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी टू से तो पक्के में बाहर होगा बड़ा होगा ठीक है साहब तो इस जगह को अपन यहाँ दो में से किसी भी एक जगह से फिल करते हैं बाकी बाकी कुछ भी आ जाए जीरो टू थ्री फोर वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ठीक है ना जो हमको चाहिए भी वो सब इस इंटरवल में ही आएंगे ठीक है अब इस जगह को फिल करने के आपके पास विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अगेन सिक्स वेज एंड फाइनली अगेन सिक्स वेज तो यहां से सेवेंटी टू फोर डिजिट के ऐसे और नंबर प्रकट होते हैं जो हमारे टोटल में तो काउंट हो गए थे बट दे आर नॉट इन दिस इंटरवल तो उनको भी अपन एक्सक्लूड कर देते हैं तो माइनस का सेवेंटी टू ठीक है साहब तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं देन यू विल गेट ऑफकोर्स फाइव नाइन ठीक है ना साहब तो ये आपका आंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यस दिस क्वेश्चन फ्रॉम जोमेट्री ठीक है ना इस क्वेश्चन ने काफी परेशान करा होगा बच्चों को वो देखते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू वन एंड ए सी इज इक्वल टू थ्री ठीक है साहब एंड बी ए सी इज इक्वल टू पाई बाई टू मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के दर्शन तो हुए और राइट एंगल ट्राइंगल काफी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देके जाता है ठीक है साहब तो सबसे पहले तो अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं ठीक है साहब तो यहां पर कोई राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा ठीक है समवेयर देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है फिर से देख लेते हैं एक बार ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है ये आपका नाइनटी नो इफ नो बट यह आपका मान लीजिए ए है और यह आपका मान लीजिए सी है ठीक है तो हमको ए सी दिया हुआ है ना ए सी ए सी दिया हुआ है हमको कितना अच्छा एंगल बी ए सी है इसको यहां से हटाते हैं इसको यहां से हटाते हैं और इसको यहां से हटाते हैं ठीक है सर और अपन ले लेते हैं ये है. तो देखें जरा ये आपका कितना 90, ठीक है इंक का कलर भी देख लें भाई रेड ही चलने दो चलिए तो ये आपका 90 देन ये हो गया आपका एंगल बी ए सी ए यह आपका बी और यहां पर ले लेते हैं सी परफेक्ट नाउ ए सी इज इक्वल टू थ्री ये हमको दिया हुआ है कितना थ्री और ए बी दिया हुआ है हमको कितना वन फाइन आगे क्या बोलता है वो सुनिए इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है जीरो से बड़ा touches the sides AB, AC, and also internally the circumcircle of triangle ABC. तो so, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ट्राइंगल ए बी सी का circumcircle सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी का circumcircle कुछ ऐसा ड्रॉ कर देते हैं फोटो सुंदर तो नहीं हो पाएगा लेकिन बना लेंगे ना काम चला लेंगे तो दिस इज योर circumcircle सर्किल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो जाहिर सी बात है ये इसका मिड पॉइंट कुछ भी ले लीजिए आप सपोज करिए एम लिया अपन ने ठीक है तो ये इसका क्या होगा सेंटर ठीक है तो इसकी रेडियस सरकम सर्कल की रेडियस अपन ने क्या मान ली इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं सपोज करो आर जो कितना होगा ऑफकोर्स होगा ये बी सी बाई टू बी सी बाई टू तो बी सी तो अपन निकाल ही सकते हैं नाइन प्लस होगा टेन तो रूट टेन बाई टू ये हो गया आपका कितना रूट टेन बाई टू ना आगे पढ़ते हैं इसने बोला है देयर इज वन मोर सर्किल देयर इज वन मोर सर्किल विच टचेज इंटरनली द साइड ए बी द साइड ए सी एंड सर्कम सर्किल ठीक है साहब तो कोशिश करते हैं बनाने की वैसे तो, तो काफी पंगे वाला काम है ठीक है फिर भी कोशिश कर लेते हैं चलिए तो एक सर्किल है जो कुछ ऐसी स्थिति में है ये होपफुली सबको गया होगा ठीक ठीक है है तो और हमें निकालना क्या है वैल्यू ऑफ आर ही निकालना है। रेडियस ऑफ द सर्किल ओके तो यू बात कर लेते हैं अपन एक काम करिए इस क्वेश्चन को अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करते हैं तो इट विल बी क्वाइट इजी तो एक काम कर लेते हैं अपन ये हो गया आपका एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस ठीक है दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस ठीक है सर तो <laughs> बताने की वापस ज़रूरत नहीं है ये हो जाएगा आपका कितना थ्री कामा ज़ीरो और ये हो जाएगा आपका कितना ज़ीरो कामा वन तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर इसका सरकम सर्किल का सेंटर कितना हो जाएगा एम ये हो जाएगा आपका मिड uh, पॉइंट हो जाएगा इसका तो, तो इट विल बी थ्री बाई टू देन वन बाई Fine. ये हो गया इसका सेंटर ना फर्दर ओपन देखते हैं इसका सेंटर कहीं तो रहा होगा इसका सेंटर कहीं तो रहा होगा तो लेटेड भी कुछ भी मान लो ए बी सी डी एन ले लेते हैं ठीक है साहब तो ये काम करते हैं बेटर ऑप्शन इसको सी वन मान लेते हैं इसको सी टू मान लेते हैं आप लोगों की आदत वही है ठीक है तो पढ़ने में ईजी रहेगा चलिए साहब तो ये हो गया आपका मान लीजिए इसका सेंटर है सी वन तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ये हो गया आपका सी वन ठीक है साहब और ये हो गया आपका सी टू अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे सिंपल सा लॉजिक लगा दीजिए दो सर्कल से एक दूसरे को इंटरनल टच कप करते हैं जब ठीक है ना सर्किल टचिंग इंटरनली तो सी वन सी टू इज इक्वल टू ये कितना होगा यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तो हो गया आपका स्मॉल आर द रेडियस ऑफ इन सर्किल और ये वाला कितना हो गया टोटल कैपिटल आर सही है ठीक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ सी वन सी टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर माइनस आर आर माइनस आर ठीक है साहब स्क्वायरिंग करी स्क्वा करी तो ये आ गया आपका सी वन सी टू का स्क्वा टू कितना बच्चे ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है आर माइनस आर का स्क्वायर ठीक है सी वन सी टू अच्छा वन मोर थिंग अब सी वन सी टू कहां से लाएं तो हमारे पास सी वन तो है थ्री बाई टू कौ वन बाई टू लेकिन एक बात और हम देख पा रहे हैं सर्कल ऑल्सो टचिंग बोथ एक्स ठीक है रेडियस है इसका तो तो ऑब्वियसली क्या होगा क्लियर R, टू R. तो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये कितना होगा ये हो गया आपका आर माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस आर माइनस वन बाई टू का स्क्वेयर फाइन और इक्वल टू इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है हाउ मच इट हमेटेस ये हमारे पास है रूट टेन बाई टू हम निकाल चुके हैं तो इट विल बी रूट टेन और बाई टू माइनस आर का स्क्वेयर ठीक है तो बस करना आप कुछ नहीं है इसको ओपन कर दो सारे स्क्वायर्स को ठीक है ना और यहाँ से आप लोगों को मिलेगा आर का वैल्यू इट विल बी फोर माइनस रूट टेन अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करते हैं दो प्लेस तक तो इट अप्रॉक्सीमेटली है ना अप्रॉक्सीमेटली और राउंड ऑफ आप कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा आपको ठीक है साहब तो ये क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा बहुत भी आ, नहीं सोच पाए तो कोर्स ये आपको परेशान कर सकता है ठीक है साहब तो यह आपका अगला क्वेश्चन और देखते हैं इलेवंथ के पोर्शन से क्या है इस पेपर में हाँ जी सेक्शन टू ये मल्टी करेक्ट हो गया ना वन और मोर देन वन चलिए सर तो पहला क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से है दूसरा वाला यस वन मोर क्वेश्चन इज हियर ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा सोचना था बाकी एकदम सवाल सरल ही है ए वन ए टू ए थ्री बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ ए वन इज इक्वल टू सेवन विथ ए कॉमन डिफरेंस एट तो बेसिकली ये पूरी की पूरी ए दे दी है हमको है ना ये ए वन ए टू ए थ्री जो दिया हुआ है वो सिंपल दिया हुआ है कितना एक ए है और ए दी हुई है सीधी सीधी ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ठीक है सर तो ये आपका फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है सेवन और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमको एट तो अपन बोल सकते हैं इट विल बी थ्री इट विल बी हाउ मच सॉरी सेवन 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 इट इज सेवन ये हमको सेवन दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है हमको सेवन देन सेवन देन एट प्लस सेवन ये कितना हो जाएगा आपका फिफ्टीन ठीक है और उसके बाद कितना पंद्रह और आठ तेईस एंड सो ठीक है ये हो गया आपका ठीक है तो ये हो गया आपका एक एपी दिया हुआ है क्लियर कट जिसका फर्स्ट टर्म कितना है सेवन तो आठ और सात पंद्रह पंद्रह और आठ तेईस एंड सो ऑन हटाओ इसको आगे बात करते हैं टी वन टी टू टी थ्री बी सच डैट टी वन इज इक्वल टू थ्री ये अच्छी बात है टी वन इज इक्वल टू थ्री एंड वन मोर टी एन प्लस वन माइनस टी एन मतलब इस सीरीज सिक्वेंस के एन प्लस वन टर्म और एन ए टर्म का डिफरेंस है क्या ए एन मतलब बोलना ये चाह रहा है कि टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल टू हाउ मच ये आपका दिया हुआ ए एन मतलब और t1 भी दिया हुआ है हमको कितना थ्री तो अगर और फॉर ऑल n ग्रेटर टू वन तो सबसे पहले तो अपन इस वाली सीरीज को प्रकट कर लेते हैं ठीक है ना हाउस तो एक काम करते हैं अपन अपन, अपन n इक्वल टू वन रखते हैं ठीक तो ये कितना आया t2 टू माइनस का टी वन विच इज ऑफकोर्स ए वन ए वन तो <laughs> t2 कितना हो गया आपका t2 हो गया आपका यहीं कर लेते हैं तो t2 ए वन तो आपका कितना है सेवन और टी वन ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है थ्री इट विल बिकम्स टेन देन फर्दर अगर अपन टू यूज करते हैं तो इट विल बी टी थ्री माइनस का टी टू और इक्वल टू कितना ए टू तो ये कितना हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा आपका टी थ्री मिल जाएगा हमको यहाँ से ये कितना हो रहा है आपका ए टू ए टू ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना है फिफ्टीन और ये हम कितना लेके आए टेन इट विल बिकम ट्वेंटी फाइव और इसी तरह से आप चाहें तो T4 को भी जनरेट कर लें तो T4 फोर माइनस टी थ्री इक्वल टू हाउ मच ए ये कितना हो रहेगा आपका T4 प्रकट हो जाएगा यहाँ से तो T4 ये कितना हो रहा है बच्चों ये हो रहा है आपका 10 तो ये अपन निकाला है ट्वेंटी फाइव और T3 T3 थ्री ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ट्वेंटी फाइव और ए थ्री कितना है ट्वेंटी थ्री दट विल बिकम लाइक समहा प्लस ट्वेंटी थ्री एंड सो ऑन आप निकाल सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हल्की हल्की मज़ाक करते हुए हम कहाँ जाएंगे हमारी इस पर पहुँच जाएंगे थ्री टेन ठीक है तो अब जरा देखें सीरीज़ की शक्ल क्या है टी वन t2 टी टू दैन टी थ्री दैन टी फोर एंड सो ऑन अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो ये कितना है आपका थ्री दैन ये कितना है टेन ये, ये कितना है आपका ट्वेंटी फाइव ये कितना है फोर्टी एट एंड सो ऑन अगर अपन देखें तो इसका डिफरेंस आ रहा है कितना सेवन और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है फिफ्टीन और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका ट्वेंटी थ्री एंड सो ऑन जो वापस क्या है एपी तो पॉइंट टू बी नोटेड टी वन टी टू टी थ्री टी फोर एंड सो ऑन जिसके टर्म्स का डिफरेंस एपी में है जिसके टर्म्स का डिफरेंस एपी में है ठीक है तो ऐसी सीरीज का टर्म क्या होता है ऐसी सीरीज का टर्म सभी को आता होगा इट विल बी लेटर सपोज एन स्क्वायर प्लस का बी एन और प्लस का सी ठीक है सर तो अपन टी एन तो वन टू थ्री रख के कमाल कर लेते हैं तो ये कितना दिया हुआ है थ्री टेन ट्वेंटी फाइव ओके तो थ्री यहाँ पर टेन और यहाँ पर ट्वेंटी फाइव इक्वल टू इक्वल टू और ये इक्वल टू तो ये कितना बनेगा ये बनेगा आपका ए प्लस बी प्लस का सी ये बनेगा फोर ए प्लस का टू बी और प्लस का सी और इधर से कितना बच्चे नाइन ए थ्री रखा तो प्लस का थ्री बी और प्लस का सी ठीक है इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें से इसको करा अपन ने तो इट विल बी हाउ मच टेन माइनस थ्री सेवन और इक्वल टू हाउ मच इट इज थ्री ए और प्लस का बी इसमें से इसको सब्सट्रेक्ट करा अपन ने तो ये कितना हो रहा है फिफ्टीन इक्वल टू फाइव ए और अगेन प्लस बी वंस मोर इसमें से इसको सब्सट्रेक्ट कर देते हैं तो इट विल बी एट और इक्वल टू हाउ मच दिस विल बिकम्स टू ए तो बधाई आप लोगों को ए इज इक्वल टू कितना मिला फोर ठीक है <coughs> a equal to four मिला a को अगर, अगर अपन यहाँ रखते हैं तो फोर थ्री जा ट्वेल्व तो सेवन माइनस ट्वेल्व सेवन माइनस ट्वेल्व अपन ने करा तो ये कितना हो जाएगा आपका फोर थ्री जा ट्वेल्व तो और ये हो गया सेवन तो ये हो गया आपका बी बी हो जाएगा आपका माइनस का फाइव सही है और ए और बी को उठा के रखा अपन ने यहाँ पर है ना इसमें रख लेते हैं तो ये कितना हो रहा है माइनस का 5 प्लस का 4 ये हो गया माइनस 1 माइनस वन इधर से छुआ तो इट विल बिकम सी तो सी आ गया आपका कितना 4 तो बेसिकली हमें गिवन सीरीज का एन टर्म मिल गया एंड हाउ मच इट इज इट विल बी ए एन स्क्वायर मतलब फोर एन स्क्वायर माइनस प्लस का बी एन तो इट विल बी माइनस का फाइव एन और प्लस का सी बोले तो कितना फोर ये क्रिस्टल क्लियर एकदम चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं सारे ऑप्शंस पे तो अब मुझे लग रहा है सिंपल सा कैलकुलेशन रह गया है यस दे आर डिमांडिंग फॉर टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी निकाल लीजिए तो टी ट्वेंटी अब सारे ऑप्शन अब आपको चेक करने हैं तो दो ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है एक में दिख रहा है ट्वेंटी ईर्थ टर्म और एक में दिख रहा है थर्टी ईर्थ टर्म ठीक है तो ट्वेंटी और थर्टी ईर्थ टर्म के लिए वट यू हैव टू गो फॉर 20 का स्क्वायर माइनस का फाइव इंटू ट्वेंटी और प्लस का फोर ये आप स्मूथली कैलकुलेट कर लेंगे और ये हो रहा है आपका फोर इंटू थर्टी का स्क्वायर और माइनस का फाइव इंटू थर्टी और प्लस का फोर इक्वल टू इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं देन फर्दर दे आर डिमांडिंग फॉर वाट दो ऑप्शन में क्या है इसी सीरीज के फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स का सम ठीक है साहब तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ इसमें से ये शायद गलत आएगा और ये आपका गिवन में सही आ जाएगा ठीक है सेकंड ऑप्शन इज द ओके चलिए मतलब इसमें ये सही आएगा और ये गलत आएगा होपफुली ये आता है शायद 1504 आप चेक कर लीजिएगा एक बार तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है है उसके बाद हमें क्या निकालना है सम सम ऑफ ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 20 टर्म्स टर्म्स और 30 नॉट बिग डील इसको भी खेलते हैं तो सबसे पहले तो अपन कर लेते हैं समीशन टी के और के रनिंग फ्रॉम वन टिल एन तो इसको लिख देते हैं अपन इट विल बिकम्स वॉट फोर इन टू समन एन स्क्वेर माइनस का फाइव इंटू समेन एन और प्लस फोर इंटू समेशन वन विल बिकम समर इंटू सम ऑफ फर्स्ट सम्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर व्हाट इट विल एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और अपॉन का खूबसूरत सा छः और माइनस का फाइव इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन का टू और प्लस का फोर एन परफेक्ट अब इसी में आप लोग एक बार क्या रख दीजिए ये तो आ गया आपका क्या सम ऑफ ऑप्शन दिस एंड दिस सेकेंड और फोर्थ तो एक बार आप एन इज इक्वल टू थर्टी रखिए रखिए ठीक है ना तो वंस यू पुट इन दिस एन इज इक्वल टू ट्वेंटी और वंस यू पुट एन इज इक्वल टू थर्टी देन यू विल गेट यहाँ तो दोनों सही हो सकते हैं दोनों गलत तो मेरी याददाश्त यहाँ तक काम कर रही है मेरी याददाश्त काम कर रही है तो उसका आंसर एक तो ये सही है ये गलत आएगा ठीक है सर और ये सही है तो दो ऑप्शन सही होते हैं आपके बी और, और सी फाइन चलिए एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ाते हैं बात को ये आपका थ्री से है ये आपका वेक्टर से है ये पैराबोला से है ये फिर से थोड़ा सा कैलकुलेटिव है देखते हैं कंसीडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ना, है ना स्टैंडर्ड सा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स लेट s बी द फोकस ऑफ द पैराबोला तो सबसे पहले काम करते हैं पैराबोला बना लेते हैं तो ये अपन ने बना दिया पैराबोला और इसके फोकस को बोला गया है s और इसका फोकस कितना होगा ऑफ कोर्स वन कॉमा जीरो ठीक है आगे क्या बोलता है अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट तो से दो टेंजेंट खींची है ना पेयर ऑफ टेंजेंट एक टेंजेंट तो ये और एक टेंजेंट हो जाएगी आपकी कुछ ऐसी ठीक है ना समझो टेंजेंट है ये तो, है ना एंड दिस पॉइंट इज माइनस का टू कॉमा वन आगे क्या बोलता है ये विच मीट द पैराबुला एट पी वन एंड पी टू ठीक है ना ये टेंजेंट जहां पर आके मिली उनके नामकरण हो गए एक तो हो गया आपका पी वन और इसका नाम दे दिया साहब पी टू आगे देखें लेट क्यू वन एंड क्यू टू बी द लाइन एस पी वन एस पी वन एक लाइन तो हो SP2, okay? ये SP2 हो गई साहब एस पी वन एंड एस पी टू ओके एस पी टू हो गई सीधी तो नहीं होगी चलिए आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं तो काम करते हैं बिफोर वी आर गोइंग प्रोसीड विद द क्वेश्चन अपन एक काम करते हैं <bastards câowania> सबसे पहले तो p1 और p2 को प्रकट कर लेते हैं ठीक है साहब तो p1 और p2 को प्रकट करते हैं तो पैराबोला इतना सुंदर है तो इसके कोऑर्डिनेट अपन ले लेते ले हैं t1 स्क्वायर और 2t1 और इसको ले लेते हैं अपन कितना t2 स्क्वायर और टू टी टू जनरल पॉइंट अपन ने ले लिए ठीक है सर अब जरा चेक निकालते हैं अपन तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं या तो आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर आप गोल गोवा रूल यूज कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट आप ही को पता होंगे कितना इन दोनों का जोमेट्रिक मीन मतलब t1 t2 और इसका कितना हो जाएगा a टाइम्स ऑफ a तो आपका क्वेश्चन में कितना है a इज इक्वल टू ऑलरेडी वन है और ये लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ टी वन प्लस टी टू ये हो जाएगा आपका टी वन प्लस टी टू ए को लिखने की अलग से जरूरत नहीं है ठीक है साहब ये हो गया आपका क्या ये तो काम करें अपन टी वन टी टू इज इक्वल टू ए माइनस वन माइनस टू है ना ये हो गया और ये कितना दिया हुआ है ठीक है तो लेटमी एज्यूम टी वन और टी टू चाहिए मी एज्यूम द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं अपन क्वाड्रेटिक इसके रूट्स क्या हों तो एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू ज़ीरो सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं सीधे अपन तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा तो टी स्क्वायर माइनस का टू टी प्लस का टी माइनस का टू इक्वल टू ज़ीरो विल बिकम्स वॉट टी माइनस टू और ये कितना हो गया टी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो तो बेसिकली हमारे पास टी के दो वैल्यू आ गए टू और माइनस वन तो टू वहां यूज करता हूँ तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना पी वन पी वन आ जाएगा हमारे पास कितना फोर कामा फोर फाइन और पी टू कितना आ जाएगा पी टू आ जाएगा यहां पर अगर मैं माइनस वन लेता हूँ तो ये आ जाएगा वन कामा माइनस टू वन माइनस टू परफेक्ट ये हो गया आपका वन कामा माइनस टू अब पढ़ते हैं साहब आगे है ना अब आगे क्या बोल रहा है ये <coughs> तो लेट क्यू वन कॉम एंड क्यू टू बी द पॉइंट ऑन द लाइन एस पी वन एंड एस पी टू रेस्पेक्टिवली सच डेट पी क्यू वन इज परपेंडिकुलर टू एस पी वन पी क्यू वन तो सबसे पहले तो लाइन बनानी ही पड़ेगी तो थोड़ा सा अपन ये आपका P ये आपका हो गया आपका एस पी वन इस पर एक पॉइंट है एस पी वन पर एक पॉइंट है Q1, SP1 पर है तो समवेयर देयर इज ठीक है और कुछ ऐसा है कि पी क्यू वन इज परपेंडिकुलर टू एस पी वन एस पी वन और ये परपेंडिकुलर है ठीक है साहब देन फर्दर इस पर भी कुछ है ठीक है ना इस पर एक पॉइंट है Q2 और ये रहा होगा हंड्रेड पर क्या है रफ फिगर सिर्फ अपन थोड़ा सा समझ पाए बात को देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर ट्रू मतलब बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर मैं ऑप्शन को देख रहा हूँ तो आई हैव एग्जैक्टली एस है मेरे पास मेरे को पी वन और पी टू मिल गए हैं अब मैं अगर क्यू वन और क्यू टू क्यू वन और क्यू टू प्रकट कर लेता हूँ तो ऑल फोर ऑप्शन कैन बी चेक बाय सिंपली यूजिंग द डिस्टेंस इज फार्मूलाट सो तो भाई अब Q1 और Q2 की लड़ाई लड़ लेते हैं तो कुछ नहीं है एक पॉइंट से एक लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट से एक लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो सबसे पहले अपन sp1 का इक्वेशन ले आते हैं और sp2 का इक्वेशन ले आते हैं ठीक है यही ले आते हैं तो sp1 का इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं दोनों हमारे पास है फोर कॉमा फोर और वन कॉमा जीरो ठीक है सर तो फोर कॉमा फोर तो टू पॉइंट फोर तो कितना हुआ y माइनस कितना होगा बच्चा वन y माइनस जीरो इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन तो ये हो गया आपका कितना वाई टू माइनस का y1 और अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये हो गया आपका फोर माइनस वन और अंदर ही अंदर कितना हो गया x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन बोले तो वन ठीक है सिंपलीफाई कर देते हैं तो इट विल बिकम्स वॉट ये हो गया आपका थ्री वाई और ये हो गया आपका इक्वल टू फोर एक्स और माइनस का फोर तो फाइनल डील फोर एक्स माइनस का थ्री वाई और माइनस का फोर इक्वल टू जीरो चलिए साहब इसको भी संभाल के रखते हैं अब फाइनली मेरे पास एक और इक्वेशन चाहिए मेरे को एंड वाट इट इज़ तो एस पी वन का इक्वेशन तो आ गया है अब मुझे चाहिए एस पी टू का इक्वेशन एस पी टू को एस पी टू को अलग से कर लेते हैं भाई तो कितना है टू पॉइंट फोर में ना तो पी टू है वन कॉमा माइनस टू और ये है वन कॉमा जीरो लेके चलें एस पी टू एक काम करते हैं जो जो हमको मिल गए एस तो हो गया आपका कितना वन कामा जीरो अब इन्हीं की ज़रूरत है हमको पी वन पी वन है हमारा अभी देख लेते हैं शायद फोर फोर अभी कर रहे थे हम और पी टू पी टू भी हमने प्रकट कर लिया है कितना पी टू आ गया मेरा बेटा पी टू आ गया वन कामा माइनस टू या आ गया आपका वन कामा माइनस टू देन फर्दर हम ले आए हैं एस पी वन का इक्वेशन भी ले आए एंड वाट इट इज़ फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर फोर एक्स माइनस थ्री वाई और माइनस का फोर इक्वल टू ज़ीरो सारे हमारे अवेलेबल डाटा जो हमने थोड़ी सी मेहनत करके निकाल ली है ठीक है अब बात आ रही है किसकी एस पी टू के इक्वेशन की तो उसको भी निकाल ही देते हैं एस पी टू के इक्वेशन को यहाँ निकाल दूँ मैं एस पी टू का इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म से तो अब तो एस बी है और पी टू भी है तो ये कितना हो गया फिर से वाई माइनस जीरो इक्वल टू

मतलब मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये लाइन जो है सीधी रही होगी है ना सीधी रही होगी तो भाई एक खुशखबरी तो ये है कि हमारे पास Q2 के कोऑर्डिनेट सीधे सीधे आ रहे हैं x इज इक्वल टू तो वन हो गया और इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी माइनस टू ही रहेगी तो ये हो गया आपका माइनस टू तो वन कॉमा माइनस टू क्यू टू मेरे को क्लियर कट मिल गया कितना x इज इक्वल टू वन और माइनस टू नहीं माइनस टू, टू नहीं हाइट रहेगी वन ओके वन रहेगी ना वन इसकी हाइट हो जाएगी कितनी वन इसकी हाइट हो जाएगी आपकी वन तो ये भी अपन को मिल गया चलिए साहब तो ये हो गया आपका वन तो बधाई हो क्यू टू बिना मेहनत के मिल गया आपको लाइन देख के दिख के आपको है ना चलिए तो Q2 को भी उठा के पटक लेते हैं अपन तो Q2 ये आया हमारा 1.1 ये बिना मेहनत के मिल गया 1.1 फाइनली कैलकुलेटिव फाइनली डाउटली गलती होने के बड़े हाई चांसेस होते हैं प्रेशर में एग्जाम में बट या, अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टनेस दिखाएंगे तो इट्स वी ओके ना no, अब मैं याद दिला देता हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है तो मैं फिर से देख लेते हैं अपन अपन को P अच्छा, P P अच्छा भी भी अवेलेबल ना भूल गए उसको इज गिवन गिवन ये भी है ठीक है ना तो अगर मैं P से एस पी वन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूँ P से एस पी वन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा Q1 ठीक है तो Q1 लाने के लिए अपन मेहनत कर लेते हैं थोड़ी सी तो होपफुली ये फॉर्मूला सभी को याद होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस का ए एक्स वन प्लस का वी वाई वन और प्लस का सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ठीक है इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन कितना हुआ ये ये हो गया आपका एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन बोले तो माइनस ए टू तो ये हो गया आपका एक्स प्लस टू अपॉन ए फॉर एप्पल फोर इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी मतलब माइनस थ्री इक्वल टू माइनस का ये कितना हो गया माइनस का एट लिख दूं सीधा और ये कितना हो गया माइनस का थ्री ये हो गया माइनस का फोर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डायरेक्टली लिख देता हूँ सोलह प्लस नौ विल बिकम्स स्वाट आठ और चार बारह और तीन पंद्रह ठीक है ना साहब माइनस का फिफ्टीन तो प्लस का फिफ्टीन तो फिफ्टीन अपन ट्वेंटी फाइव तो दिस विल बिकम्स हाउ मच थ्री बाई टू तो एक बार इनको देख लेते हैं और एक बार इनको देख लेते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका कितना ये हो गया हमारे पास x प्लस टू अपॉन फोर और इक्वल टू हम एच थ्री बाई टू थ्री बाई टू तो ये टू बन गया और ये टू गया तो ये कितना हो गया सिक्स तो x इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू फोर और इधर से आ जाएगा हमारे पास कुछ गड़बड़ तो है सोलह और नौ पच्चीस पाँच तो यस 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 गड़बड़ दिस इज फाइव ना दिस इज फाइव ठीक फाइव थ्री सा फिफ्टीन और फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव ओके तो सभी हटा देता हूं मैं ना चलिए तो कितना साहब x प्लस टू अपॉन फोर इक्वल टू हच थ्री बाय फाइव तो ये कितना होगा ये हो गया आपका x प्लस टू और इक्वल टू फोर थ्री 12, ठीक है ना तो इसको भी लिख लें ट्वेल्व बाय फाइव और इसको उधर शिफ्ट करा तो इट विल बी माइनस का टू तो ये हो गया आपका कितना टू बाय फाइव परफेक्ट और एक्स इसको देख लेते हैं तो ये हो गया आपका वाई माइनस वन अपॉन माइनस का थ्री इक्वल टू हाउ मच थ्री बाय फाइव इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा अपन ने तो इट विल बी हाउ मच वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का नाइन बाय फाइव और इसको अगर शिफ्ट करा तो इट विल बिकम्स माइनस का फोर बाय फाइव ठीक है तो ये हमको और मिलता है कितना क्यू टू तो ऑलरेडी आ चुका था क्यू वन आ चुका है हमारे पास कितना टू बाई फाइव टू बाय फाइव और माइनस का फोर बाय फाइव ठीक है सर तो पॉइंट टू बी नोटेड एक लंबी मशक्कत के बाद हम लोगों ने क्या क्या पाया हमारे काम के डाटा ये हमें दिख रहा था P1 हमने निकाला P2 हमने निकाला हमने SP1 का इक्वेशन जो हमें फर्दर ज़रूरत नहीं है बट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट वट क्यू वन ओके तो ये हमारे काम का ठीक है और हमने ये निकाला Q2 और ये P ठीक है तो आप ज़रा देखें सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं फाइन ओके okay? तो अब सिंपली आपको सारे ऑप्शंस में क्या यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज करें ये देखिए एस और क्यू वन के बीच का डिस्टेंस एस और क्यू वन के बीच का डिस्टेंस ठीक है ना उसके बाद आप किसी के बीच का भी डिस्टेंस देख लीजिएगा ठीक है ना सब में क्या है सब में केवल और केवल डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है ठीक है तो आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट दिस दिस देंटेंस एज परफेक्ट आंसर फाइन चलेगा आगे बढ़ाते हैं बात को ये हमारा मल्टी कंसेप्ट है ये इसके बाद अच्छा सेक्शन कौन सा आया मैच दी कॉलम ओके मैचिंग लिस्ट सेट दिस इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग बट नॉट अ बिग डील वी कैन मैनेज चलिए पहला ही देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है देखते हैं अच्छा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखें थोड़े से स्मार्टली एग्जाम में काम करें है ना अगर आप स्मार्टली डील करते हैं देन डेफिनेटली आप बहुत पट से निकाल सकते हैं सारी की सारी चीजें देखें कैसे ऑब्जर्व करें सारे ऑप्शंस चार के चारों को आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना बिल्कुल जरूरत नहीं है आप थोड़ा ठीक से देखें तो हमारे पास पहले में पी है पहले में क्यू है पी है और क्यू है तो सबसे सरल आसान वाले से आप ऑप्ट करना शुरू कर देखें जरा अगर मैं देख पा रहा हूं तो सेकंड का एस है और इधर सेकंड का पी है सेकंड का ऐसे और सेकंड का पी है तो सबसे इजी वाले पे अटैक करा मैंने रूट थ्री टेन थ्री एक्स है ना, रूट थ्री टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है तो मुझे इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ठीक है साहब इसको भी लपेटते हैं तो रूट थ्री टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू वन तो कैसे करें सिंपल एकदम ये तो अच्छा इंटरवल क्या है माइनस फाइव पाई बाई एटीन से फाइव पाई बाई एटीन ओके तो शुरू करते हैं साहब थ्री एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री लिख देता हूं ठीक है अच्छा अब जरा ध्यान से देखें तो यहां तो आप कर लें किससे जनरल सोल्यूशन से ठीक है ना और चाहे तो आप इसे ग्राफिकली अप्रोच कर सकते हैं देखिए हाउस बेसिकली हमारे पास क्या है एक्स बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू माइनस फाइव पाई बाय एटीन से कहां 18 से, 18 तक है भाई माइनस के फाइव पाई बाय एटीन से फाइव पाई बाय एटीन तक ओके फाइव पाई बाय एटीन तक नो प्रॉब्लम तो थ्री एक्स किसको को बिलोंग कर गया थ्री एक्स बिलोंग कर गया माइनस का फाइव पाई बाय सिक्स से फाइव पाई बाय सिक्स तक नो no प्रॉब्लम अगर मैं इसको थीटा थीटाज्यूम करता हूँ तो वट आई हैल टू वन बाई रूट थ्री मतलब अब मेरे को माइनस फाइव पाई बाई सिक्स से फाइव पाई इस इंटरवल में इसका ग्राफ देखना है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूँढने हैं तो दिस इज मोर गुड अप्रोच तो टेन का ग्राफ बना लेते हैं माइनस फाइव पाइव बाई सिक्स से लेके फाइव पाई बाई सिक्स तक तो ये तो हो गया आपका जीरो तो ये आपका एक्सेस ये हो गया आपका जीरो से पाई बायू ये हो गया आपका पाई बाई टू। फाइन और यहां पर आपका पाई तो एक और बना देते हैं अपन मिलाना नहीं है ना चलिए अभी बाद में ठीक कर देते हैं और एक इधर यहां आ जाएगा अब जरा ध्यान दीजिएगा यह आपका पाई ठीक है और यह आपका ऑफकोर्स जीरो तो यह हो जाएगा आपका कितना माइनस का पाई बाई टू और यह हो जाएगा आपका कितना माइनस का पाई हमें कहा से कहा देखना है माइनस फाइव पाई बाई सिक्स माइनस फाइव पाई बाई सिक्स से फाइव पाई बाई सिक्स तो फाइव पाई बाई सिक्स वन एटी से कमी होगा तो यहां पर मान लेते हैं मतलब अब मेरे को क्या देखना है मेरे को केवल यहां पर मान लिया मैंने फाइव पाई बाय सिक्स तो ये वाला यहाँ से लेके मेरे को यहाँ तक ही देखना है ठीक है ना चलिए यहाँ से लेके कर यहाँ तक ओके और ये पूरा देखना ही देखना है और इधर इधर माइनस फाइव पाई बाय सिक्स यहाँ का ही आएगा तो ये माइनस का फाइव पाई बाय सिक्स फाइन तो मेरे को भाई यहाँ से लेके कर यहाँ तक देखना है बाकी रेस्ट इन पीस हमारे कोई काम का नहीं है ठीक है तो काम करते हैं मज़े का अपन एक मज़े का काम कर लेते हैं एक तो इसको सुंदर कर देते हैं ठीक है ना अच्छा वन मोर थिंग ये हमारे जो काम का ही नहीं उसको हटा देते हैं ये भी अच्छा हो जाएगा ठीक है और इधर भी ये हमारे काम का नहीं है, कौन फाइव पाई बाय सिक्स ये ना हमको ओके okay? उठाते तो भाई पेन ये लो तो ये आपके पिक्चर चल रही है फर्स्ट क्लास वाली ठीक है चलिए

इसका खुद का इटसेल्फ वैल्यू कितना आया इतना और अगर अब मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक तो मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा एक तो ये खुद होगा और एक ही होगा तो हाउ मच एलिमेंट्स आई हैव इन दिस इंटरवल माइनस फाइव पाई बाई एटीन से फाइव पाइव बाई एटीन में कितने एलिमेंट्स हैं टू एलिमेंट्स हैं ठीक है, है. साहब तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आए इस इंटरवल में दो एलिमेंट्स आए क्लियर है ये बात सभी को हाँ अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं अपना ट्रेडिशनल मेथड एंड व्हाट्स द ट्रेडिशनल मेथड इज टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा ठीक है ना आप चाहें तो इससे फॉलो कर सकते हैं नॉट ए बिग डील मेथड टू को आप फॉलो कर सकते हैं जो आम तौर पर लोग करते हैं वन बाय रूट थ्री तो थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका अल्फ़ा ठीक है ना तो लगा दो भैया पाई बाई सिक्स हो जाएगा ना थर्टी डिग्री तो ये हो गया आपका पाई बाय सिक्स और यू में ऑल्सो राइट इट एज एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाय थ्री और प्लस का पाई बाय एटीन नो चेक द ऑप्शन ठीक है ना आप एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री चेक कर करके भी ऑप्शन निकाल सकते हैं जितने भी इस इंटरवल में लाए कर रहे हैं बट ये मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है इट्स ऑल योर विश तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू आए तो अब देखना ये है इसके हैज टू एलिमेंट्स मतलब इसका क्या हो रहा है पी फाइन इसका हो रहा है पी तो अब जरा देखिएगा सेकेंड का एस मतलब को स्कीप करो हो नहीं सकता इसमें सेकंड का एस फिर से दिया हुआ है मतलब दो ऑप्शन तो आपने रोल आउट कर दिया ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर चारों ना करके रोल आउट करते जाएं अब एक काम करें किसी भी एक को पकड़ लेते हैं तो फोर्थ को देखो फोर्थ का उसमें है आर और इसमें है एस तो फोर्थ को कर लो या फिर फर्स्ट को भी कर सकते हैं फर्स्ट में इसका है पी और इसमें है इसका क्यू तो दोनों में से किसी एक को कर लो है ना तो मैं इसको कर लेता हूं फोर्थ को ठीक है ना आप बात समझ रहे हैं मेरी आपने क्या करा आपने सबसे पहले सेकंड ऑप्शन का आंसर फाइनल कर लिया तो इट इज तो सेकंड में इसका आंसर है एस और इसमें भी ये कितना एस तो इन दोनों को मैंने स्किप कर दिया रोल आउट कर दिया अब मैं बचे हुआ टाइम को मैनेज करता हूँ ठीक है तो अब मैं निकाल रहा हूँ किसी की भी एक का निकाल लो इसका निकाल लेते हैं ना फोर्थ पार्ट का निकालते, है। निकालते, है। निकालते हैं साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू वन ये लो साहब तो साइन एक्स सॉरी साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू वन है ठीक है तो ये सभी को पता है बिल्कुल स्टैंडर्ड सा काम है वन बाय रूट टू तो ये हो गया आपका कितना साइन एक्स माइनस का वन बाय रूट टू ये हो गया कॉज एक्स इज इक्वल टू कितना भाई वन बाय रूट टू तो ये हो गया आपका कितना साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर से ये कितना हो गया वन बाय रूट टू ही रहने दो तो. अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट टू बी नोटेड माइनस सेवन पाई बाय फोर से सेवन पाई बाय फोर ओके तो एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस सेवन पाई बाय फोर से सेवन पाई बाय फोर तक ठीक है साहब एक्स माइनस पाई बाय फोर किसको बिलोंग करेगा ये बिलोंग करेगा ये इधर गया तो ये हो गया आपका माइनस का टू पाई और ये हो गया आपका कितना माइनस फोर और ये हो गया सात और तीन दस है ना तो ये हो जाएगा आपका माइनस uh, का थ्री पाई बाय फोर इट विल बिकम सेवन हो जाएगा आपका कितना थ्री पाई बाय टू तक चला जाएगा ना ठीक है सार्थ? तो ये आपका थ्री पाई टू तक गया ना तो ये हो गया आपका थ्री पाई टू तक ठीक है पाई तो ठीक है अब अपने को क्या करना है अपने को केवल इसको थीटा अज्यूम करके हमें क्या करना है साइन थी टू वन बाय रूट टू का सिंपल सा ग्राफ बनाना है विच विल बी ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका और ये इधर आ जाओ ठीक है तो यह आपका जीरो यह आपका पाई और यहाँ पर आ जाओ आप कितना थ्री पाई बाय टू तक आ जाओ और ये कितना आपका माइनस का पाई और ये कितना आपका माइनस का टू पाई तो वन बाई रूट टू नंबर ऑफ सोल्यूशन काउंट कर लेते हैं यहाँ तक तो कितने आया एक सोल्यूशन दो सोल्यूशन तीन सोल्यूशन और चार सोल्यूशन तो इसके कितने आ रहे हैं आपके चार सोल्यूशन आ रहे हैं ठीक है तो चार सोल्यूशन आ रहे हैं तो हमारा काम खत्म पे अभी है चार है ना तो इसका आ रहा है चार सॉल्यूशन तो ये लो साहब इसका आर है इसका आर है तो ये वाला ऑप्शन फाइनल हुआ और ये वाला ऑप्शन फिर से गलत हो गया बात आया समझ में आप करने को तो इसको भी कर सकते हैं ठीक है ना ये भी वही बन रहा है आपका कितना ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव बाय फोर और इक्वल टू तो कितना बच्चा वन बाय रूट टू ये भी सिंपल है सारे है ना तो बट दिस इज द स्ट्रैटेजी टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिटर्मेंट मेट्रिको और देख लेते हैं द लास्ट बट नॉट लीस्ट एटीन क्वेश्चन एलिप्स दिया हुआ है ठीक है ना और क्या बोल रहा है लेट एच अल्फा कॉमा जीरो लेट एच अल्फा कॉमा जीरो और अल्फा कैसा है जीरो से बड़ा है और टू से छोटा है फाइंड बी ए पॉइंट आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू एच एच से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए अपन ने पैरल टू वाई एक्सेस ओके क्रॉसेज द एलिप्स एंड इट्स ऑगजिलरी सर्किल तो पहले अपन पढ़ते हुए एक क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं ना एक हल्का सा छोटा सा फोटो बनाने की कोशिश कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आता जाए ठीक है तो ये तो हो गया आपका एलिप्स और आगे क्या बोल रहा है वो एच अल्फाकॉमा ज़ीरो

और ऑक्सिलरी सर्कल को क्रॉस कर रही है एफ पर गुड इन द फर्स्ट टेंजेंट टू एलिप्स एट पॉइंट ई, टेंजेंट टू एलिप्स एट पॉइंट ई, इंटरसेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सेस एट पॉइंट जी ओके नो प्रॉब्लम तो यहां से एक टेंजेंट खींची और यहां पर आके मिल गई ये हो गया जी ये भी ठीक है साहब ये हो गया होगा आपका वाई एक्सेस या आपका ओरिजिन आगे क्या बोला गया है अच्छा सपोज द स्ट्रेट लाइन एफ एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाइव एक्स एक्सेस तो ये वाला और ये वाला जो एंगल है ये हो गया आपका कहना तो मुझे लगता है इसेंट्रिक एंगल बोलने की कोशिश की गई है बिकॉज दिस इज न इंट्रिक एंगल ठीक है साहब तो मुझे लग रहा है सिंपल एकदम क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन सिंपल है तो सबसे पहले अच्छा वन मोर थिंग हमें डिमांड किसकी एफ जी एच और एच तो ना तो हमारे पास राइट नाउ एफ है ना ही जी है और ना ही एच है तो इन सबको उठा लेते हैं अपन एक साथ ही आएसा सबसे पहले तो एफ एफ क्या रहा होगा सर्कल पर है और सर्कल कितना होगा टू कॉस फाइव तो इस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट टू कॉस फाइव और ये कितना टू साइन फाइव ठीक है ना टू साइन फाइव तो ई आपका किस पर है इलिप्स पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लें अपन ये हो जाएगा आपका ई का कोऑर्डिनेट है ना यहाँ लिखूँ क्या अलग से चलिए यही रहने दीजिए ये हो गया आपका ई का कोऑर्डिनेट कितना ये हो गया आपका टू cos फाइव और ये हो जाएगा आपका रूट थ्री साइन फाइव परफेक्ट है चलिएगा तो आगे क्या बोल रहा है टेंजेंट का इक्वेशन है ना टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं अपन तो टेंजेंट का इक्वेशन सभी को आता है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर और ये तो टेंजेंट का इक्वेशन है ना तो पन्ना पलटे या यहीं चलने दें मेरे हिसाब से अपन एक नया फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं ओके okay. तो यहाँ पर एलिप्स ले लिया ये लीजिए ये बन गया आपका ऑक्सिलरी सर्किल ठीक है और पहले टेंजेंट बना देते हैं ना ओके नो प्रॉब्लम जी और ये एक लाइन पैरल गई थी वाई एक्सेस के जो इसको मिली थी एफ पर और इसको मिली थी ई e पर और एफ का कोऑर्डिनेट था हमारा टू कॉस फाइव और ये था टू साई फाइव और ई e का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका टू कॉस फाइव और हो जाएगा रूट थ्री साइन फाइव ठीक अच्छा टेंजेंट का इक्वेशन है ना टेंजेंट का इक्वेशन लिप्स का इक्वेशन क्या था हमारा ये तो एक्स एक्स वन तो टी ई मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ई ये कितना हो जाएगा आपका तो ये तो एकदम स्मूथली लिख सकते हैं हर बच्चे को याद होता है एक्स कॉस फाइव एक्स कॉस फाइव अपॉन टू और प्लस का वाई साइन फाइव और अपॉन का रूट थ्री और इक्वल टू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जी का कोऑर्डिनेट निकालने ही इंटरसेक्ट कर रहा ही है अच्छा, यहां पर एच था हमारा है ना और एच भी हमारा कितना था अल्फा कॉमा जीरो ध्यान रखना एक आपका एकस और आपका वाई तो जी के लिए वाई कोऑर्डिनेट को जीरो करा तो ये कितना हो गया टू अपॉन कॉस फाइव तो दिस विल बिकम्स टू अपॉन कॉस फाइव कॉमा जीरो अच्छा क्वेश्चन को वापस देखें अपन हमें बोला गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल सारे ऑप्शन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है एफ जी एच एफ जी एच तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं अपन है ना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अच्छा वन मोर थिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच एफ जी एच इसकी बात हो रही है क्या एफ हो गया एफ ये रहा ना ये ट्राइंगल की बात हो रही है ना एफ जी एच की बात हो रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल एफ जी एच का एरिया कितना होगा कोर्स हाफ बेस इन हाइट राइट एंगल ट्राइंगल प्रकट है तो ये तो हो गया आपका जी एच और इन हाइट कितनी एफ एच ठीक है तो ये हो गया आपका जी एच तो जी एच क्या होगा अच्छा वन मोर थिंग लाइन तो सेम ही है एच का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा एच का कोऑर्डिनेट भी हम कितना ले लेते हैं टू कॉस फाइव कॉमा जीरो परफेक्ट है अच्छा जी का कोऑर्डिनेट हमने निकाल ही लिया है तो जी एच कितना हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है हर बच्चे को दिख रहा होगा टू अपॉन कॉस फाइव तो वन बाई टू और ये कितना टू अपॉन कॉस फाइव और माइनस का इसका कितना आया टू कॉस फाइव अच्छा हाइट तो क्रिस्टल क्लियर है सभी को हाइट कितनी है टू साइन फाइव ठीक है तो बस कर दो ये और ये गायब ठीक है सर और दो को बाहर ले लो तो ये कितना हो गया ट्वाइस ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वेयर फाइव और इंटू साइन फाइव ठीक है और अपॉन कॉस फाइव एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच कितना पाए भाई टू ये हो जाएगा साइन क्यूब ये हो गया आपका साइन क्यूब फाइव अपॉन का कॉस फाइव तो दिस इज फाइनली द एरिया ठीक है अब हमको बोला क्या है वो देखते हैं सिंपल है एक एक पॉइंट पर डिसाइड करना है अपने को फाइव इज इक्वल टू फाइव बाय फोर पे चेक करो अच्छा वन मोर थिंग फाइव बाई ट्वेल्व ये तो शक्ल से ही दिख रहा है पक्का यही होगा है ना पक्का यही होगा इसमें भी आप वही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं बट द सेम क्वेश्चन इज नॉट सो मच कैलकुलेटिव लेकिन फिर भी अगर आपका दिल करता है तो पाई बाय फोर पे पाई बाय फोर पे वैल्यू कितना आएगा पाई बाय फोर पे वैल्यू हो जाएगा इसका टू ये हो जाएगा एट फाइव इज इक्वल टू पाई बाय फोर पाई बाय फोर पे आपका वैल्यू आ गया टू साइन क्यूब वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू वन हो जाएगा ना एरिया इज वन एरिया इज वन एरिया इज वन एरिया तो देखें भाई एरिया इज़ वन फाइव बाई फोर तो फर्स्ट का हमारा आ रहा है ये तो ये हो गया आपका ये लो साहब क्यू तो पहले का क्यू पहले का क्यू तो ये वाला ऑप्शन तो रोल आउट करो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट कर दो है ना अच्छा और फोर्थ कापी दिख ही रहा है मेरे को फोर्थ कापी अच्छा दोनों में है कोई फायदे का ही नहीं है अच्छा मज़े की बात देखो चौथे में सभी का पी ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये तो होना ही होना था अब एक पर और कर लो आप है ना एक पर और कर लो तो 60 डिग्री पे कर लेते हैं अपन ना सेकंड पे कर लेते हैं नॉट अ बिग डील क्योंकि सेकंड में इसका दिया हुआ है टी और इसमें दिया हुआ है एस तो सेकंड पे और चेक कर लो तो सेकंड पे कितना आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू फाई बाय थ्री पे चेक कर लो एरिया इस वाले में कितना आ जाएगा ये कर लो भाई टू इन टू साइन क्यूब मतलब साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी यानी रूट थ्री बाई टू का क्यूब अपॉन हो जाएगा आपका वन बाई टू तो ये आपका ये बन जाएगा आपका थ्री और थ्री रूट थ्री अपॉन टू ये बन गया आपका थ्री रूट थ्री अपॉन टू देखें क्या है यस वी हैव थ्री रूट थ्री अपॉन टू मतलब सिक्सटी पे ये बन रहा है मतलब सेकेंड का टी है सेकेंड का टी है मतलब ये आपका आंसर तो इसमें ये भी गायब हो गया आपका ना ये भी गायब कर देते हैं So, final answer is this much. Third option is the final. <laughs>